हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती है और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और ये क्विक रिवीजन रहेगा हमारा, एग्जाम ओरिएंटेड वे में क्विकली हम रिवाइज करेंगे। एंड ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखा हुआ मेरे से, या कहीं पर भी आपने एक बार पहले पढ़ रखा हुआ तो ही आप क्विकली इसे कैच कर पाओगे। अदरवाइज हमने ऑलरेडी डिटेल्ड रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ है जहां पर हमने डिटेल्ड में रिवाइज किया था, एंड वो 3.5 घंटे के आसपास था जहां पर डिटेल्ड में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट विद क्वेश्चन हमने रिवाइज किया था। बट यहां पर हम क्विकली रिवाइज करेंगे एंड सभी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट क्विकली गो थ्रू करके सभी क्वेश्चंस भी, प्राय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी भी क्विकली हम रिवाइज करेंगे। और इसके जो रेस्पेक्टिव रिवीजन नोट्स है इसी के जरिए मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आप देख सकते हो। एंड ये आपके शॉर्ट रिवीजन नोट्स हो गए, ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसके जरिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से आप सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ये सब भी क्विक रिवीजन सेशन हमने डाल दिया है, तो वो सब भी आपको टेलीग्राम में उसके नोट्स मिल जाएगा एंड आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। सभी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सभी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टेड रिस्क मैनेजमेंट। चलिए अभी हम IRRM को क्विकली रिवाइज करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट रिवाइज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये IRP थ्योरी इसकी जरूरत नहीं है, इसके जरिए मैंने आपको बस कुछ समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था, इसकी जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में एक एग्जाम्पल के साथ आपको आता हूँ जबकि ताकि डिटेल में आपको एक बार थोड़ा सा क्रक्स मिल सके। देखो मान लीजिए अगर आप 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 12%, यानी 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। वही अगर आपने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी 6 मंथ्स में आप 5% कमाओगे। मान लीजिए 10% पर एनम दिया हुआ है तो 6 महीने का 5% होगा, तो 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5% आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप सोचिए अगर मैं 1 रुपीज, मान लीजिए मैं हूँ और अभिषेक ने मान लीजिए 1 रुपीज लगाया 12% के रेट में 1 ईयर के लिए, तो उसको 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 1.12। और मैंने 6 मंथ्स के लिए पैसा लगाया है 5% के रेट में, तो 1 साल के बाद मेरा कितना होगा, 1.05। अब मैं क्या चाहता हूं बता, मैंने बैंक को बोला कि मैं 6 मंथ्स के लिए अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, FRA कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं कि 6 मंथ्स के बाद मैं फर्दर 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करूं मैं। तो यहां पर जो FRA का रेट है ना, बैंक ऐसा रेट देगा आपको कि आपका 12 मंथ्स का जो रेट बनता है वही आपका अल्टीमेटली यहां पर भी आए 12 मंथ्स का, यानी आप इधर से भी 12% ही कमाओ, इधर से भी 12% ही कमाओ। तो अभिषेक ने 1 रुपी लगा के उसका 1.12 हुआ ना, तो मैं प्रतीक जगाती अगर मेरा 1 रुपी 6 मंथ्स में 1.05 बनता है तो अनादर 6 मंथ्स में मुझे कितना कमाई देना चाहिए, तो अनादर 6 मंथ्स में मेरा कमाई होना चाहिए 0.07, क्योंकि 1.05 से 1.12 में पहुंचना है हमें भी, अभिषेक की कंपेरिजन में बराबरी में आना है, तो 0.07 मुझे कमाना है। कहां से, लेकिन 1 से नहीं, 1.05 से, क्योंकि मुझे 1.05 यहां पर रियलाइज हो जाएगा मेरा 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 1.05 इंटू 100 करोगे तो आपका 6.667% आ रहा है इफेक्टिवली 6 मंथ्स का। और हम हमेशा इसे पर एनम में डिस्प्ले करते हैं तो इसको डिवाइड इनटू 2 कर दो आप तो 13.33% आया आपका, ये FRA आया आपका। अब इसी को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी, ये देखो शॉर्टकट जो एग्जाम में ऐसे करना है, 6 मंथ्स का अगर LIBOR दिया हुआ 10% आपको, तो 10% ये 6 मंथ्स का दिया हुआ है तो 6 मंथ्स का इफेक्टिवली कितना होगा, 5% होगा, 5% बनेगा 1.05। वही 12 मंथ्स का कितना बनेगा, 12% है तो 12% 12 मंथ्स का 12% ही मिलेगा इफेक्टिवली, ये बनेगा 1.12। तो 6/12 FRM कैसे कर सकते हैं, पता है 12 मंथ्स/6 मंथ्स कर देंगे। 12 मंथ्स/6 मंथ्स करने का मतलब ये है कि आप 6 मंथ से ऊपर 6 मंथ्स को बेस बना के उसके ऊपर फर्दर 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट का रेट निकालना चाहते हो। तो 12 मंथ्स/6 मंथ्स किया तो मेरा देखिए 1.12/1.05 आ गया आपका, है ना, तो ये आया 1.0667 यानी 6.667% इफेक्टिवली 6 मंथ्स का। तो आपका पर एनम 13.33% है, ये वही आया जो हमने यहाँ पर देखा। तो आप हमेशा ऐसे ही करोगे हमेशा, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 5 मंथ्स LIBOR आपका 4.5% है तो इफेक्टिवली 5 मंथ्स का क्या होगा, 4.5 × 5/12 होगा आपका, यानी 1.875% होगा आपका। इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा 1 रुपीज का, जैसे हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी में भी ऐसा फैक्टर बनाते थे, तो 1 + 1.875% क्या आएगा, 1.01875। आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज और हम लिख सकते हैं ताकि बेहतर रहेगा, 4.5 × 5/12 होगा ये, और नीचे वाला होगा 8 मंथ्स LIBOR है 4.95, ये × 8/12 होगा आपका ही। तो इफेक्टिवली ये 5 मंथ्स का आ गया, इफेक्टिवली ये 8 मंथ्स का आ गया। तो फैक्टर बनाएंगे तो 1 + 1.875% यानी 1.01875 हुआ, और ये 3.3% यानी 1.033 हो गया। तो अब अगर मुझे 5/8 FRA निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 8 मंथ्स LIBOR / 5 मंथ्स कर दूंगा,
क्योंकि 5 से 8 तक का आ जाएगा फिर बाद में, 8 मंथ्स बाय 5 मंथ शॉर्टकट में। तो 8 मंथ्स का मैंने लिख लिया 1.033 और 5 मंथ्स का 1.01875, तो इस प्रकार से मेरा आया 1.013988। तो ये तो प्रिंसिपल फैक्टर के साथ है 1 रुपीज का, तो एफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है 1.3988% आया। इसमें से 1 का प्रिंसिपल भी हटाना पड़ेगा आपको, तो 1.3988% आया ये, लेकिन एफेक्टिवली कितने महीने का आया, 5 मंथ से लेके 8 मंथ्स, या 3 मंथ्स का इफेक्टिवली आया। तो ये आंसर लिखोगे तो ये करेक्ट है, पर एग्जाम में इसका मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, इसको पर एनम में कन्वर्ट करना होगा, पर एनम में शो करना पड़ेगा। तो ये 3 मंथ्स का, 5 मंथ से लेके 8 मंथ्स, 3 मंथ्स का है, तो मुझे पर एनम चाहिए तो मैं ×4 कर दूंगा, तो मेरा पर एनम आ जाए। ये पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड 3 मंथ्स है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको हमेशा करना है, आपको हमेशा इसी प्रकार से ही निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आगे आपको आर्बिट्राज इन एफआरए समझाना चाहता हूँ। देखिए आर्बिट्राज इन एफआरए हम कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे एफआरए में आर्बिट्राज पॉसिबल है क्या, ये कैसे पता चलेगा। देखो आपको 3 मंथ्स का लाइबोर दिया हुआ है 12%, आपको 8 मंथ्स का लाइबोर दिया हुआ है और 3/8 एफआरए भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ रहेगा तभी तो हम चेक करेंगे आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो 3 मंथ्स का लाइबोर 12% है, मतलब इफेक्टिवली 3 मंथ्स का कितना आएगा 3%, यानी 1.03। 8 मंथ्स का लाइबोर 18% है, तो इफेक्टिवली 8 मंथ्स का क्या आएगा 18 × 8/12, यानी 12% आएगा, यानी ये बनेगा 1.12। तो थ्योरिटिकली 3/8 एफआरए निकालो, 8 मंथ्स बाय 3 मंथ्स, यानी 1.12 / 1.03 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये मेरा आ रहा 1.08738, यानी 8.378% आ रहा इफेक्टिवली 5 मंथ्स का। क्यों, कैसे, 3 मंथ से लेके 8 मंथ्स के बीच में 5 मंथ्स का पीरियड होता है, 3 से 8 के बीच में ये 5 मंथ्स का आ रहा है, तो 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का 20.97% आएगा। तो थ्योरिटिकली 3/8 एफआरए होना चाहिए 20.97%, पर कोटेड दिया हुआ ये देखो, कोटेड जो है ये है 13/14%। बताओ ये सस्ता है या महंगा है, ये सस्ता है क्योंकि होना चाहिए 20.97% के आसपास, है ना, ये होना चाहिए, पर दिया हुआ है 13/14%, मतलब ये सस्ता दिया हुआ है ना, तो सस्ता में आप क्या करते हो, हमेशा बोरो करते हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि हम 3/8 एफआरए में बोरो करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर 3/8 एफआरए में बोरो करेंगे, हमारे पास 2 रास्ते हैं 8 मंथ तक पहुंचने का। एक तो डायरेक्टली 8 मंथ में हम इन्वेस्टमेंट कर दो, डायरेक्ट 8 मंथ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 3 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3/8 एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक आपके पास रास्ता है डायरेक्टली 8 मंथ्स का, एक रास्ता है 3 मंथ्स और फिर बाद में 5 मंथ्स, ये 3 मंथ्स हो गया, ये 3/8 एफआरए हो गया। तो ये पता चल चुका है कि 3/8 एफआरए में हमें बोरो करना चाहिए, तो मतलब यहां पर भी हम बोरो ही करेंगे, मतलब एक रास्ता बोरो का जाएगा, एक रास्ता इन्वेस्टमेंट का जाएगा। तो आप बताओ डायरेक्ट 8 मंथ्स में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्ट 8 मंथ्स में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 3 मंथ्स एंड 3/8 एफआरए में हम बोरो करेंगे। अगर 3/8 एफआरए में बोरो है तो 3 मंथ्स में भी बोरो होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद 8 महीने तक के लिए बोरो करोगे, तो पहला 3 महीने में भी बोरो होगा आपका। तो अब देखो यहां पर अब हम कैसे करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा हुआ देखिए, डेट इज हमें क्या पता चला, हमें 3/8 एफआरए में बोरो करना चाहिए, मतलब हम बोरो करेंगे 3 मंथ्स और 3/8 एफआरए में, और इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्टली 8 मंथ्स में। तो शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, देखो बोरो कैसे करोगे आप, मान लीजिए हम 1 रुपये बोरो करेंगे, तो पहले तो 1 रुपये बोरो करेंगे 3 मंथ्स के लिए, तो 1 रुपये बनेगा 1.03, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमें चुकाना पड़ेगा 1.03 आफ्टर 3 मंथ्स। फिर बाद में हम बोरो करेंगे 3/8 एफआरए में, बोरो का रेट बड़ा वाला होगा, ये इन्वेस्टमेंट का छोटा वाला होगा, इस रेट में आप बोरो करोगे, इस रेट में, ठीक है। तो 14% में हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, हमने ये समझ लिया यहाँ पर। तो 14% का इफेक्टिवली निकालो 5 मंथ्स का, 14% × 5/12, ये आएगा 5.833%। तो हमें ये पता चल चुका है कि हम पहले 1 रुपये 3% में बोरो करेंगे 3 मंथ्स के लिए, फिर अनादर 5 मंथ्स के लिए, यानी 3/8 एफआरए में इफेक्टिवली रेट आ रहा है 5.833%, इस पे हम बोरो करेंगे। तो हमें टोटल 8 मंथ्स के बाद इतना रुपया चुकाना पड़ेगा, अगर हम 1 रुपये बोरो करेंगे तो टोटल हमें इतना रुपया चुकाना पड़ेगा। अब जो 1 रुपये बोरो किया, क्यों बोरो किया था, कि इन्वेस्ट कर दूं, मैंने बोरो किया इधर 1 रुपये, अब मैं इन्वेस्ट भी करूंगा किस में, डायरेक्टली 8 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो डायरेक्टली 8 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट करने का रेट कितना, ये देखो 12%, 1.12 हो रहा है, 18% था, 12% हो जाएगा 8 मंथ्स का इफेक्टिवली। तो मैं सीधा 1.12 में इन्वेस्ट करूंगा, मेरा इतना इनफ्लो आएगा, तो मेरा गेन आ गया, यानी 1 रुपया अगर मैं बोरो करूं तो मेरा गेन आ रहा है इफेक्टिवली 0.03, थोड़ा सा फर्क आएगा, मैंने इसको 1.09 ही पकड़ लिया, राउंडेड ऑफ में 0.03 कर दिया हमने, आप इसमें लिख सकते हो ये राउंडेड ऑफ है, ठीक है।
है। तो ये हमने समझा एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आर्बिट्राज कितना सिंपल है, आर्बिट्राज में कुछ नहीं करना आपको, थ्योरिटिकली 3/8 एफआर निकालना, निकाला फिर आप पता करो कि थ्योरिटिकली अगर इतना है तो जो कोट दिया हुआ ये महंगा है कि सस्ता है। पता चला सस्ता है तो सस्ता में बोरो करेंगे, बोरो का रेट बड़ा वाला होगा, इन्वेस्टमेंट का रेट छोटा वाला होगा। तो 14% में बोरो किया जाएगा, 14% का इफेक्टिवली 5 मंथ्स का है 5.833%। तो अब हमें पता चल चुका कि 3 मंथ्स में बोरो करेंगे 1.03 और इधर आ जाएगा 1.05833। तो देखो 1.03 1.05833 में आउटफ्लो आया और डायरेक्टली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 12% में, हमारा गेन आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद एक और एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल आप खुद से कर लेना बेहतर रहेगा, या फिर मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। देखो 6 मंथ्स और 10 मंथ्स का इफेक्टिवली आ रहा है, कोटेड दिया हुआ है। तो थ्योरिटिकली आपने निकाला, थ्योरिटिकली आपका होना चाहिए 20.93% पर एनम, थ्योरिटिकली 10 मंथ्स/6 मंथ्स करके कर लिया, ये होना चाहिए आपका, लेकिन कोटेड दिया हुआ इतना। तो ये महंगा है, ये जो कोटेड दिया हुआ है ये क्या है, ये महंगा है हमारा, ये हमें पता चल चुका महंगा है, विच इज कॉस्टली, महंगा है। तो महंगा में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इस कोटेड में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट का रेट छोटा वाला होगा, 22% इन्वेस्ट करेंगे। तो अब हमें पता चल चुका है कि हम 6 मंथ्स में इन्वेस्ट करेंगे और 6/10 एफआरए में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बोरो करेंगे डायरेक्टली 10 मंथ्स वाले में। तो वही यहाँ पर देखो, बोरो डायरेक्टली 10 मंथ्स वाले में बोरो करेंगे, 10 मंथ्स वाले में कितना बनेगा, 1.15 बनेगा आपका, सीधा बात खत्म। और 6 मंथ्स में और 6/10 एफआरए में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा, 1.075 मल्टीप्लाई किया और अनदर 4 मंथ्स का आपका आ रहा है इफेक्टिवली 7.33%। ये तो क्योंकि साल का है ना, इंटू 4/12 करना पड़ेगा, 22 × 4/12 करना पड़ेगा। तो ये 1.0733 आपका इन्वेस्टमेंट पे इतना मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपका आर्बिट्राज गेन आ गया पर रुपी बोरोइंग में, यही आपका आर्बिट्राज है। तो मैंने एक बोरोइंग का भी रिवाइज करा दिया, एक इन्वेस्टमेंट का भी मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब हम बात करेंगे हैजिंग की, एफआरए में हैजिंग भी किया जा सकता है। ये हैजिंग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं प्रतीक जगाती हूँ, मुझे 10 लाख रुपीज बोरो करना है, आज नहीं 6 मंथ्स के बाद बोरो करना है, पर मुझे एक डर हो रहा है कि इस चीज का डर है कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर हो रहा है, क्योंकि आज मैं बोरो नहीं करना चाहता, मैं बोरो करना चाहता हूँ 6 मंथ्स के बाद। अभी मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है, मुझे डर है कि कहीं बाद में 10% 15% हो गया तो मैं इस चीज से बचना चाहता हूं। तो इस चीज से बचने का एक उपाय, आप हैजिंग कर लो। हैजिंग मतलब आज ही आप एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आज ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 6 महीने के बाद 6 मंथ्स के बाद आप एक डेडिकेटेड रेट यानी 8.5% मान लीजिए अगर वो रेट है तो उस डेडिकेटेड रेट में बोरो करने का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आगे जाके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इफेक्टिवली 8.5% ही लगेगा। हमें बोरो करना 6 महीने के बाद पर रेट हमने आज ही डिसाइड कर लिया तो इफेक्टिवली हमेशा हमारा 8.5% ही लगेगा। तो अब देखो 6/9 एफआरए में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 8.5% पे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट रेट मान लो 12% हो गया या 7% हो गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा 8.5 ही लगेगा, भले 12 हो जाओ या 7 हो जाओ। तो इसी का ही हैजिंग आपको एग्जाम में कैसे करना वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए रियल मार्केट में, जो आपका रियल मार्केट, कैश मार्केट जो भी बोल दो, रियल मार्केट से आप क्या करोगे, 10 लाख बोरो करोगे 6 महीने के बाद, वो तो एक्चुअल रेट में बोरो करोगे 12% में। हमने तो अभी बस कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, बोरो करेंगे 10 लाख रुपीज 8.5% में, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब 6 महीना बीत जाएगा, तो 6 महीना बीत जाएगा तो एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना है, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में बोलेंगे कि देखो भाई हमने ऑलरेडी 10 लाख रुपीज 8.5% में बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये आपका बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप क्या करोगे पता है, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में अब ये मानो हमेशा सेटलमेंट होता है, तो बोरो को इन्वेस्ट काटता है, जैसे बाइक को सेल काटते हैं ना वैसे बोरो को इन्वेस्ट काटते हैं। तो बोरो को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया तो 12% में हम इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया तो 7% में हम इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, क्योंकि बोरोइंग का तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है 8.5% में। तो बोरो था 10 लाख रुपीज 8.5% में, एफआरए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पहले से क्या होता है 6 मंथ्स पहले, अब 6 मंथ्स के बाद इसको काटने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख रुपीज आज के करंट रेट 12% में, तो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। देखो अगर 8.5% में बोरो करोगे 10 लाख रुपीज तो आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो कितना होगा, मान लीजिए ये हमने बोरो कॉन्ट्रैक्ट जो किया है ये हमने मान लो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, देख लो आप 6/9 एफआरए लिखा हुआ है, ये आपका 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 6 मंथ्स के बाद हमने बोला हम 3 मंथ्स के लिए बोरो करेंगे, पूरा 1 साल के लिए नहीं 3 मंथ्स के लिए बोरो करेंगे, तो 8.5% का 3 मंथ्स लेना, तो 10 लाख इंटू 8.5% इंटू 3/12 हमारा इतना इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा। पर ये ध्यान रहे ये इंटरेस्ट आउटफ्लो आपका जब मैच्योरिटी में होता है 9 मंथ्स के एंड में होगा, ये वाला ध्यान रखना, ये 9 मंथ्स के एंड में होगा हमारा, है ना। और
फिर हम क्या करेंगे, इसको सौदा काटेंगे 12% के रेट पे, तो आपका इंटरेस्ट इन्फ्लो आएगा इन्वेस्टमेंट में, तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, तो आपका एफआरए में गेन आ गया 8750 का। एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, ये समझो 8750 का गेन आया, मतलब कुल मिला के 3.5% का आपका गेन आ रहा। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 10 लाख आप सीधा भी कर सकते थे, 10 लाख इंटू 3.5% इंटू 3/12, 3 महीने का ही है आपका, सीधा 8750 भी आ जाता है यहाँ पर। आपको ऐसा प्रेजेंट करना है 8750 आपका एफआरए में गेन आया। अब रियल में बोरोइंग करूंगा आपको, तो रियल में बोरो करना है, तो रियल में बोरो करोगे तो 10 लाख रुपीस रियल में, तो 12% में बोरो होगा आपका। यहाँ पर तो सेटलमेंट होता है एफआरए कॉन्ट्रैक्ट में, रियल में हम 10 लाख रुपीस 12% में बोरो करेंगे 3 मंथ्स के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट 30,000 लगेगा। तो देखो भले ही हमारा इंटरेस्ट रियल मार्केट में 30,000 का लग रहा है, पर एफआरए सेटलमेंट में हमें 8750 मिल जाएगा, तो इफेक्टिवली हमारा 21250 लगेगा, क्योंकि इधर 30,000 लग रहा है लेकिन इधर 8750 आपको एफआरए सेटलमेंट से मिल जा रहा है, तो 21250 आपका इफेक्टिवली इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है। 21250 किस में लग रहा है, 10 लाख पे लग रहा है, इंटू 100 इंटू 12/3 कर लो आप, पूरा साल का दिखाना पड़ता है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम आपका 8.5% है। तो यही हमें दिखा के प्रूव करना होता है कि देखो भाई भले रेट 12% हो गया, हम बोरिंग भी 12% में कर रहे हैं, पर एफआरए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारा कुछ गेन आया, तो नेट कॉस्ट हमारा इतना लगा, नेट परसेंटेज भी हमारा इतना है, तो हमारा हेजिंग हुआ है यहाँ पर, हेजिंग हमने किया परफेक्टली यहाँ पर। अब कभी कभी एग्जाम में देखो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम में, कभी एग्जाम में बोलता है कि बताओ हेजिंग प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, अगर बताओ हेजिंग प्रॉपर हुआ नहीं हुआ तो आपको इस तरीके से रेट निकाल के बताना है कि यस हेजिंग इज परफेक्ट। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सेटलमेंट अमाउंट बताओ, सेटलमेंट अमाउंट बताओ, अगर वो बोल रहा है मतलब वो एफआरए का सेटलमेंट अमाउंट बोल रहा है, तो एफआरए का सेटलमेंट अमाउंट आपका ये आंसर में खत्म नहीं होगा 8750, क्योंकि 8750 तो आपका 9 मंथ में आपको मिलेगा पैसा, क्योंकि हमने 6 मंथ्स के बाद बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका इंटरेस्ट मैच्योर होगा 9 मंथ्स में, और इन्वेस्टमेंट भी हम 6 मंथ्स में करेंगे, इंटरेस्ट मैच्योर होगा 9 मंथ्स में, तो ये दोनों 9 मंथ्स में खड़ा हुआ है, तो 8750 भी 9 मंथ में खड़ा है यहाँ पर देखो। तो हम तो 6 मंथ्स में अगर सेटलमेंट होता है तो एफआरए का सेटलमेंट 6 मंथ्स में हो जाता आपका, तो इसको 3 महीने का प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, कौन से रेट से, करंट रेट, करंट रेट क्या 12% का, 3 महीना 1.03, तो ये आपका आंसर होगा 8495। तो दो प्रकार के आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर सेटलमेंट अमाउंट पूछे तो प्रेजेंट वैल्यू में बताना, अगर सेटलमेंट अमाउंट ना पूछे तो ये लाइन लिखना ही नहीं है, 8750 और 30,000 बताना नेट आपका इतना कॉस्ट लग रहा है 9वें मंथ में, और आपका इफेक्टिवली इंटरेस्ट इतना लग रहा है। अब एक और सिचुएशन था ना 7%, तो एक और सिचुएशन वाला 7%, देखो 8.5% में सौदा किया हुआ है, तो आउटफ्लो 21250 होगा 9 मंथ में। अब 7% में इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे तो आपका 17,500 आएगा, 10 लाख इंटू 7% इंटू 3/12, अब आपका लॉस आ रहा है यहाँ पर 3750। और इधर रियल बोरोइंग में तो हमारा 7% लगेगा, क्योंकि मार्केट में रेट 7% हो गया, तो रियल बोरिंग में हमारा 7% के हिसाब से 17,500 लगेगा, तो इधर भी आपका लग रहा है आउटफ्लो और लॉस की वजह से भी आउटफ्लो हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा 17,500 प्लस 3750 यानी 21250 लगा, और यानी इफेक्टिवली 8.5% हुआ। तो वही ड्यू टू एफआरए कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली 8.5% में लॉक हो चुका है, इवन इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो फर्क नहीं पड़ता, आपका 8.5% में लॉक हो चुका है। अगर यहाँ पर भी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट पूछे तो 3750 का प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, करंट रेट 7%, इसका 3 मंथ्स का 7 × 3/12 करो 1.75% आएगा, यानी 1.0175 से खींचोगे आपका फाइनल सेटलमेंट अमाउंट ये होगा आपका। तो ये मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करा दिया, क्या चीज, हेजिंग भी मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करा दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स टू नोट में आपको बता देता हूँ, 6 मंथ्स लाइबोर 8% है, यानी 8 × 6/12 करोगे 4% का 1.04 आएगा, 10 मंथ्स लाइबर 9% है तो 9 × 10/12 करोगे 1.075 आएगा, 1 ईयर लाइबोर है तो 1.09 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2 ईयर लाइबोर 3 ईयर लाइबोर, एक क्वेश्चन भी ऐसा, 2 ईयर लाइबोर अगर 9% है तो आपको ऐसे सिचुएशन में 1.09 × 24/12 नहीं कर सकते आप, 2 ईयर मतलब 24, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको 1.09 × 2 लगाना पड़ेगा, कंपाउंडिंग होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, क्योंकि अगर 2 ईयर लाइबोर आपका 9% दिया हुआ, दैट डजंट मीन आपका ये 9% पर एनम कंपाउंडेड 2 ईयर, ये कभी भी नहीं होता। जैसे आपका 6 मंथ्स लाइबोर है तो कंपाउंडिंग 6 मंथ्स है, 10 मंथ्स लाइबोर है तो कंपाउंडिंग 10 मंथ्स है, 1 ईयर लाइबोर है तो कंपाउंडिंग 1 ईयर है, लेकिन अगर 2 ईयर लाइबोर है तो स्टिल ये कंपाउंडिंग पर एनम ही रहेगा आपका, यानी एक साल में इफेक्टिवली 9% कमाएंगे, तो 2 साल में इफेक्टिवली 18 नहीं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, 1.09 स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 3 ईयर लाइबोर में 1.0448 क्यूब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये पर एनम कंपाउंडेड भी पर एनम है, कंपाउंडेड पर एनम से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, जैसे यहाँ पर कंपाउंडिंग 6 मंथ्स है, यहाँ पर कंपाउंडिंग 10 मंथ्स है, तो सीधा हमने 8 × 6/12 कर दिया है ना, लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंडिंग पर एनम है तो आपको स्क्वायर पावर करना पड़ेगा, ये चीज़ बस ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आपका, तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखना, ये वाला
बाकी डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, डिटेल रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ भी है यूट्यूब में। अब इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो है ये कराने के लिए आपको सीधा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर तो बेहतर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर रख रखा हुआ है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा आपको क्वेश्चन से कराऊं, तब आपको फटाफट अच्छे से रिवाइज होगा ये वाला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 पहले डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी और एक्सवाईजेड ने डीएफ बैंक को अप्रोच किया एफआरए के लिए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के लिए। वो 100 करोड़ रुपीज दे वन टू बोरो आफ्टर 2 ईयर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 2 साल के बाद 1 साल के लिए, यानी 2/3 एफआरए आपको निकालना पड़ेगा। यील्ड कर्व आपको दिया हुआ है एक्सवाईजेड और एबीसी का। एबीसी का आप खुद कर लेना, मैं एक बता देता हूँ, बाकी दोनों तो सिमिलर ही रहेगा। सो एक्सवाईजेड का 1 ईयर का दिया हुआ यील्ड कर्व यानी वाईटीएम है ये 3.86%, यानी अगर हम 1 साल के लिए पैसा फंसा है तो ये कितना बनेगा, 1.0386 बनेगा। अरे 1 रुपया हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो ये बनेगा 1.0836। वही अगर हम अगर 2 ईयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करें 1 रुपये तो 1+4.2% +4.2%, या फिर 1.042 × 1.042 भी कर सकते हो आप। 1 रुपये अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इतना बनेगा। वही अगर हम 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 4.48 के रेट से 1+4.48% 3 बार कर दो, या फिर 1.04 × 3। तो आपका ये बन जाएगा। तो अब हमें समझ में आ गया, यानी 3 ईयर्स का इफेक्टिवली ये होगा और 2 ईयर्स का इफेक्टिवली ये होगा। तो आप बताइए 2/3 एफआरएम कैसे निकालेंगे, इक्वल 3 ईयर्स डिवाइड बाय 2 ईयर्स, है ना, यानी 1.1405 डिवाइड बाय 1.08576। आप कर लो, आपका आ जाएगा यहाँ पर एकदम आराम से। तो आपका यहाँ पर 2/3 एफआरए आएगा 5.04%, 1.0504 होगा, यानी 5.04% आ जाएगा आपका। सेकंड एबीसी का आप ऐसे सिमिलर करोगे तो 6.38% आएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या, ये आपका इंटरेस्ट रेट गारंटी यानी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन की बात कर रहा है, जो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना ऑप्शन, ये वैसा ही ऑप्शन है। जहां पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स वाई जेड के लिए, एक्स वाई जेड का 2/3 एफआरए क्या था, इन्होंने सिर्फ रुक जाओ एक बार, सपोज बैंक ऑफर इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर ए प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड की बात कर रही है, देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड इफ इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी 4.5-5.5%। तो एक्स वाई जेड को एफआरए हमने जो निकाला था ना 5.04%, मान लो आपने 5.04% पे आपने इंटरेस्ट रेट गारंटी ले लिया, आपने जो आपका इफेक्टिव रेट होता है ना एफआरए में, मान लो उसमें आपने गारंटी ले लिया इन्होंने, ठीक है, और प्रीमियम हम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हमने गारंटी ले लिया और हम प्रीमियम दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें, उसके लिए हम आज प्रीमियम दे दे रहे हैं। तो प्रीमियम 0.1% हम देंगे किसका, 100 करोड़ का 0.1%, यानी 0.1 करोड़ होगा आपका। तो 0.1 करोड़ हम क्या करेंगे, आपका प्रीमियम हम भरेंगे। अब क्वेश्चन ने बोला अगर 4.5% हुआ, 5.5% हुआ तो क्या होगा, अगर 4.5% हुआ तब तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को लैप्स करवा देंगे। यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप 5.04% में आपने ऑप्शन लिया है बोरो करने का। फिर आप क्यों बोरो करोगे 5.04% में, जब मार्केट में 4.5% में मिल रहा है, तो 4.5 मार्केट में लगे और प्रीमियम का हमारा कॉस्ट लग गया था 0.1%, 4.6% टोटल लगेगा। वही अगर 5.5% हुआ ना, तब हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और हम 5.04% में हमारा जो गारंटी हमने लिया है उस पर हम एक्सरसाइज करके 5.04% में हम गारंटी में लोन ले लेंगे, और प्लस 0.1% आपका प्रीमियम का, तो ये 5.14% आ जाएगा आपका। तो वही आपका 4.6 और 5.14% आपका इफेक्टिवली लगेगा, ये देख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल वर्जन में लिखा, मैंने बोला इंटरेस्ट कितना लगेगा 100 करोड़, अगर 4.5% हुआ तो 4.5% के रेट में आपका 4.5 करोड़ का आउटफ्लो होगा, 5 पॉइंट हुआ तो 5.5 होगा, लेकिन पे ऑफ मिलेगा आपको अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया। पहले वाले में तो ऑप्शन लैप्स किया तो कोई पे ऑफ नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे 5.5 में तो 5.04% आपका गारंटी लिया हुआ था ऑप्शन का, यानी कॉल ऑप्शन के बराबर है, 5.5% हो जाएगा तो 0.46% आपको मिलेगा पे ऑफ। तो 0.46% आपको पे ऑफ मिलेगा, यानी अल्टीमेटली ये दोनों मिला के देख लो 5.04% ही आपका इफेक्टिवली लगेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, और प्लस प्रीमियम लगेगा 0.1%, यानी 0.1 करोड़, यानी इफेक्टिवली वैल्यू मैंने लिख लिया। तो ये बस आप स्टार दे दीजिए, ये आप ध्यान दे देना, मैंने परसेंटेज में नहीं, वैल्यू में लिख दिया।
तो वही 100 करोड़ का 4.5%, 4.5 करोड़, 5.5%, 5.5 करोड़, और आपको जो पे ऑफ मिलेगा 0.46% ऑफ 100 करोड़, ये देखो 0.46 करोड़ हो गया, और प्रीमियम आउटफ्लो लगे 100 करोड़ का 0.1%, 0.1 करोड़, 0.1 करोड़, तो आपका इफेक्टिवली ये आ जाएगा, ये बस आपको ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रा स्पेस वाला, इसमें एफआरए और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स दोनों पूछा गया, तो दोनों फटाफट आपको रिवाइज करा दूंगा। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रा स्पेस इज ए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, बिजनेस ऑफ द फर्म इज हाईली सीजनल इन नेचर, और बोला गया कि 6 महीने में फर्म के पास अच्छा खासा कैश रहता है, लेकिन अदर 6 मंथ्स में इनका कैश क्रंच रहता है, जिसकी वजह से इनको फंड्स बोरो करना पड़ता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म सेल बोरो सम ऑफ यूरो 50 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के बाद ये पूरा स्लैक सीजन जो इनका 6 महीना का रहता है उस पीरियड के लिए बोरो करेंगे, आज नहीं बोरो करेंगे, 3 मंथ्स के बाद बोरो करेंगे, 3 मंथ्स के बाद 6 महीने के लिए, नहीं 3/9 FRA आपका चाहिएगा, 3/9 FRA, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद फर्दर 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक का, कितना यूरो 50 मिलियन। अब देखो यहां पर आपको बैंक ने फॉलोइंग कोटेशन दिया हुआ, 3/6 FRA काम का नहीं, हमें ये चाहिए 3/9 FRA, तो हम तो बोरो करेंगे तो इस रेट में हम सौदा कर लेंगे, 5.94% में हम सौदा कर लेंगे 6 मंथ्स के लिए, है ना, 6 मंथ्स के लिए सौदा कर लेंगे। ये लाइन फ्यूचर का दिया हुआ, ये बाद में हमारे काम का, पहले हम एफआरए कर रहे हैं। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ ए एफआरए सेल बी यूजफुल अगर आफ्टर 3 मंथ्स एक्चुअल रेट ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेटलमेंट गेन या लॉस नहीं पूछा, बोला एफआरए कैसे यूजफुल होगा वो बताओ, तो मैंने आपको रिविजन में बताया था 2 तरीका, तो यहाँ पर एफआरए में क्या क्या यूजफुल रहेगा वो बताना, तो यहाँ पर वही हम करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तुम ये बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एफआरए में अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट 4.5% होता है, तो पहले तो हम 5.94% में बोरो करेंगे 6 महीने के लिए, कितना 50 मिलियन, तो 50 मिलियन 5.94% में 6 महीने के लिए बोरो होगा, तो इतना इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा। अब सौदा काटेंगे 4.5% में, इन्वेस्ट करके सौदा काटा जाएगा, तो इतना इनफ्लो होगा, तो अल्टीमेटली यहां पर आपका लॉस आ रहा है यूरो 360,000 का लॉस आ रहा है। अब रियल में मार्केट से 4.5% में बोरो करेंगे, एक्चुअल में हम बोरो करेंगे तो हमारा इतना आउटफ्लो होगा, तो कुल मिला के हमारा दोनों मिला के टोटल हमारा इतना आउटफ्लो हो रहा है, और इफेक्टिव रेट हमारा क्या होगा, इतना आउटफ्लो हो रहा है 50 मिलियन रुपी बोरो में, तो आपका इफेक्टिवली देखो 5.94% ही है। तो कुछ नहीं, जो मैंने एग्जांपल में समझाया था वैसे ही करना आपको, ये आपका हो गया एफआरए सेटलमेंट और ये आपका एक्चुअल हो गया, वहां पर मैंने अलग अलग कॉलम बना के किया था, यहाँ पर मैंने एक साथ बताया यहाँ पर ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आपको समझ में 5.94 में बोरो किया और 4.5 में सौदा काटा, लॉस आया आपका, और रियल में बोरो करोगे ना 3 महीने के बाद, तो रियल में बोरो करोगे किस रेट पे, करंट रेट पे 4.5% में 6 महीने के लिए 50 मिलियन, तो आपका ये आउटफ्लो होगा, तो टोटल दोनों मिला के ये आउटफ्लो हो रहा है, और अल्टीमेटली इफेक्टिव रेट आपका इतना लग रहा है, फिर आपका बस वर्किंग करना है। और वही अगर 6.5% हुआ, 5.94% में बोरो का कॉन्ट्रैक्ट, 6.5% में इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, इधर आपका गेन आ रहा है, इधर आपका गेन आ रहा है, और बोरिंग कॉस्ट आपका कितना लगेगा, एक्चुअल में 6.5% लगेगा आपका, 50 मिलियन में 6.5% जो एक्चुअल रेट है आपका, तो आपका इतना उपलो होगा, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर भी नेट दोनों मिला दे तो इतना लग रहा है आपका, तो आपका टोटल वही लग रहा है जो यहाँ पर लग रहा है, अल्टीमेटली इफेक्टिव रेट दोनों मामलों में 5.94% ही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एफआरए इज यूजफुल, और उसकी वजह से एक लाइन एक्स्ट्रा से लिख देना, एफआरए यूजफुल है और उसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम हेजिंग कर पा रहे और अपना बोरिंग रेट को 5.94% में लॉक कर पा रहे, बस बात खत्म, ये एफआरए था जो शॉर्ट में बताया। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आपको बस ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जब भी ट्रेड होता है वो प्राइस के बेसिस में होता है, तो प्राइस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा अब ये देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5.85% है, मैं अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन करा रहा हूँ, तो 100 में से 5.85 माइनस करोगे तो 94.15 आएगा, ये हमारा कोट होगा। वो अगर 4.5 हुआ तो 100 से 4.5 माइनस करोगे आप 95.5 होगा, और 100 से 6.5 माइनस करोगे 93.5 होगा, ये हमारे लिए प्राइसिंग होगा फ्यूचर में एंटर करने के लिए। और अब ध्यान रखना, हम हेजिंग करने के लिए एफआरए में हम बोरो करते थे, ठीक है, फ्यूचर में हम सेल करेंगे, बोरो का फ्यूचर में सेल माना जाएगा, इन्वेस्ट का बाय माना जाएगा, ऐसे भी MMC याद है ना, बोरो सेल, बोरो करके सेल, उधर इन्वेस्ट बाय बोरो। और यहां पर सेल करने का एक और रीजन है, आप देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर, इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ने का डर है, हम बोरो करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइस गिर रहा है। आप देखो इंटरेस्ट रेट 5.85% हुआ तो प्राइस 94.15 है, वही अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा 6.5% हुआ तो प्राइस गिर जा रहा है, देखो प्राइस गिर जा रहा है,
तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के डर से बोरो किया जा रहा है, तो प्राइस गिरने का डर होगा तो हम क्या करेंगे? प्राइस में बाई सेल होता है, बोरो इन्वेस्ट नहीं होता है। प्राइस जब बढ़ने का डर होता है तो बाई करते हैं, प्राइस जब गिरने का डर होता है तो सेल करते हैं। तो यहां पर हमें प्राइस गिरने का डर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरने का डर में हम सेल करते हैं, तो यहां पर हम फ्यूचर में सेल करेंगे। अब मुद्दा क्या, देखो फ्यूचर आपके पास जो है वो 3 मंथ्स मैच्योरिटी का ही है, €50,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, €50,000 लॉट साइज है, वो 3 मंथ्स मैच्योरिटी का है। बट हमें तो 6 मंथ्स के लिए हेज करना है, हमें तो 6 मंथ्स के लिए चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स का पीरियड में हमें बोरो करना है। तो अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे पता है, 3 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपको 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो डबल कर दो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को आप क्या करोगे, जैसे कि यहां पर आप देखो, मैंने डिटेल रिवीजन में अच्छे से बताया, शॉर्ट में बता रहा हूं वापस से, आपका अमाउंट ऑफ फ्यूचर हम कितना शॉर्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, हम बोलेंगे देखो €50 मिलियन हमें शॉर्ट करना है, लेकिन जबकि मैच्योरिटी पीरियड आधा है 3 मंथ्स का, लेकिन हमें 6 मंथ्स का चाहिए, तो हम डबल कर देंगे, हम 100 मिलियन यूरो का फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। लॉट साइज यहाँ पर 50,000 यूरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। तो अब हमें पता चल गया हम फ्यूचर सेल करेंगे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लॉट साइज 50,000 एट ऑफ लॉट साइज 50,000 एट द रेट 94.15 में प्राइस लिखते हैं यहां पर। तो देखो आप सेल करेंगे 3 मंथ्स फ्यूचर, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट, 50,000 का लॉट साइज 94.15 है, और ये 3 मंथ्स का फ्यूचर ही ध्यान रखना। तो 3 मंथ्स मैंने इसलिए 3/12 यहां लिख रखा हुआ, देखो इसलिए 3/12 लिख रखा हुआ। अब बाद में सौदा काटेंगे, सेल को कौन काटेगा भाई, 4.5 हो गया, तो मार्केट में 4.5 में हम सौदा काटेंगे, 4.5 का मतलब 95.5, मैंने लिख भी रखा हुआ यहाँ पर, आप देखो 95.5, तो 95.5 में हम सौदा काटेंगे। तो अब देखो आपका गेन या लॉस क्या है, देखो बाई का रेट बड़ा है प्राइस, सेल का छोटा है, तो लॉस आएगा। तो 2,000 × 50,000 इसका डिफरेंस है 1.35, तो 1.35 में अब मैं परसेंटेज लिखूंगा, लास्ट में तो मुझे परसेंटेज लिखना ही, और 3/12 भी लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि स्टाइल है इसे का, आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि फ्यूचर्स में प्राइसिंग चलता है। तो यहां पर आपका 2000 कॉन्ट्रैक्ट है, 50,000 का लॉट साइज, इन दोनों का डिफरेंस जो आपका प्राइस आ रहा है, इसको परसेंटेज कर देना और इनटू 3/12 लगा देना, क्योंकि 3 मंथ्स का ही आएगा ये। तो आपका फ्यूचर सेटलमेंट में लॉस आया इतने का। वही केस बी में आपने 94.15 में सेल किया, बाई करोगे 93.5 में, अगर 6.5% हुआ तो यहां पर गेन आएगा आपका, क्योंकि सेलिंग का रेट बड़ा है, बाई का छोटा है, तो आपका 0.65 में परसेंट लगा देना, इनटू 3/12 कर देना, यहां पर गेन आएगा आपका। अब एक्चुअल बोरिंग भी तो करेंगे, एक्चुअल बोरिंग कितना करेंगे, एक्चुअल बोरिंग 100 मिलियन यहां पर हमने 100 मिलियन लिया था, क्योंकि डबल करना था, 3 मंथ्स का ही मैच्योरिटी था। एक्चुअल बोरिंग में ध्यान रखना 50 मिलियन यूरो ही लेना, 50 मिलियन यूरो लेंगे, और यहां पर टाइम पीरियड 3 मंथ्स नहीं होगा, 6 मंथ्स होगा, यहां पर आप फंसोगे एग्जाम में। देखो यहां पर फ्यूचर में टाइम 3 मंथ्स क्यों लिया, क्योंकि 3 मंथ्स का मैच्योरिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए यहां पर 3 मंथ्स लिया, और यहां पर 100 मिलियन रखा, 3 मंथ्स लिया। बट हम एक्चुअल में बोरिंग 50 मिलियन ही करेंगे और 6 मंथ्स के लिए करेंगे, तो ये 6 मंथ्स में गड़बड़ी मत करना। तो एक्चुअल में बोरिंग क्या करोगे, जो करेंट रेट है 4.5%, उसमें 50 मिलियन यूरो बोरो करेंगे 6 मंथ्स के लिए, हमारा इंटरेस्ट आउटफ्लो इतना होगा, और यहां पर आपका रेट कितना हो गया 6.5% में, यूरो 50 मिलियन बोरो करेंगे 6.5% में 6 महीने के लिए, यहाँ इतना आउटफ्लो होगा आपका। तो अल्टीमेटली देखो इधर फ्यूचर में लॉस आ रहा है, इधर भी आपका आउटफ्लो है, दोनों प्लस कर दो टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है, इधर फ्यूचर में गेन आ रहा है, इधर आउटफ्लो इतना, यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट सेम ही आ रहा है, नेट अगर दोनों का करेंगे तो नेट यही आ रहा है। तो हमारा 50 मिलियन यूरो में इतना कॉस्ट लग रहा है, ये देखो 50 मिलियन यूरो में इतना कॉस्ट लगता है, 12/6 करके पर एनम कर दो, क्योंकि ये तो 6 मंथ्स का है, तो आपका इफेक्टिव रेट देख सकते हो 5.85% ही आ रहा है। तो 10 हमने लॉक कर दिया अपने आपको 5.85% में, ये हम बता देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, एक तो हम डबल कर देंगे फ्यूचर शॉर्ट को, प्राइसिंग से खेलेंगे हम यहाँ पर, प्राइस गिरने का डर है इसलिए हम सेल करेंगे फ्यूचर 100 मिलियन और डिवाइड बाय 50,000 कर देंगे लॉट साइज, इतना कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपका 5.85%, मतलब 94.15 में हमने फ्यूचर सेल किया, अभी देखो 94.15 में फ्यूचर सेल किया, 4.5% हुआ तो 95.5 में बाई करके सौदा काटेंगे, 6.5% हुआ तो 93.5 में बाई करके सौदा काटेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें परसेंटेज इनटू 3/12 लगा देना, आउटफ्लो इनफ्लो आ जाएगा, सेटलमेंट गेन या लॉस आ जाएगा। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट में 6 मंथ्स लेना ये मत भूलना, और 50 मिलियन यूरो आपका जो है ये आपका यहाँ पर एक्चुअल वाला अमाउंट ही लेंगे, आपका अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उससे इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगा, और बता देना कि हमने इफेक्टिव रेट हमारा कितना होगा। तो ये हमारा हो चुका, और ये मैंने पूरा का पूरा इंटरेस्टेड फ्यूचर्स भी आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22 भी मैंने आपको करवा दिया। अब मैं वापस से अपने
रिवीजन नोट्स में आता हूँ। तो मैंने इंटरेस्टेड ऑप्शन ऑलरेडी आपको करा के दिखा दिया था, इंटरेस्टेड फ्यूचर भी मैंने समझा दिया था, वो यहाँ पर भी इसका आंसर लिखा हुआ है। अब हमें इंटरेस्टेड ऑप्शन डिस्कस करना है, इंटरेस्टेड ऑप्शन डिस्कस करेंगे इसका भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम बहुत अच्छा मुझे कराना ही है, फिर स्वैपिंग करेंगे, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, खत्म ही हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब हम इंटरेस्टेड ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए इंटरेस्टेड ऑप्शन जो हो गया, ये जो सिंपल हमने ऑप्शन जो पढ़ रखा हुआ वैसा ही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें राइट मिलता है, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता, हमें राइट मिलता है, यानी एक प्रकार का इंश्योरेंस मिल रहा है हमें, फ्यूचर में कोई भी एडवर्स मूवमेंट हो गया तो हमें फायदा मिले। तो ये ऑप्शन जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, डेरिवेटिव में हम शेयर प्राइस वगैरह को ऑप्शन देख रहे थे, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को ऑप्शन हम ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट का जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ये इंटरेस्टेड ऑप्शन होता है, जैसे कि कैप ऑप्शन हो गया, फ्लोर ऑप्शन हो गया, एंड कैप और फ्लोर दोनों मिला के इंटरेस्टेड कॉलर जिसे हम कहते हैं, कॉलर स्ट्रेटेजी हो गया, इंटरेस्टेड कॉलर हो गया, तीन प्रकार के इंटरेस्टेड ऑप्शन होते हैं। तो कैप ऑप्शन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं स्पेक्यूलेटर, मुझे ऐसा फील आ रहा है, स्ट्रांग बिलीफ आ रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्टेड बढ़ेगा, फिलहाल इंटरेस्टेड मान लीजिए 8.5% है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंटरेस्टेड बढ़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8.5% के स्ट्राइक रेट में मैं कैप ऑप्शन बाई कर लूंगा। उसके लिए मुझे कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा, वो लमसम भी हो सकता है या फिर पर एनम या फिर एवरी रिसेट डेट का भी हो सकता है, तो मेरा कोई प्रीमियम लगेगा, वो प्रीमियम मैं पे कर दूंगा, वो प्रीमियम पे करने की वजह से मुझे अधिकार मिलेगा कि आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए स्ट्राइक रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे पे ऑफ मिलेगा, और अगर नीचे गया तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन लिया, ऑप्शन में हमारे पास राइट है, हमारे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर 8.5% के ऊपर गया, मान लीजिए 12% हुआ तो मुझे 3.5% का पे ऑफ मिलेगा, 15 हुआ तो कितना 6.5% का मुझे पे ऑफ मिल जाएगा, 20 हुआ तो 11.5% का मुझे पे ऑफ मिल जाएगा, 9% हो गया तो 8.5 के ऊपर 0.5% का मुझे पे ऑफ मिल जाएगा, अगर 7% हुआ तो मुझे कुछ नहीं देना, 6% हुआ कुछ नहीं देना, कैप ऑप्शन लैप्स कर जाएगा। ये है कैप ऑप्शन, यानी कैप ऑप्शन ऊपर की बात करते, ऊपर बढ़ने का, हमने जैसे कॉल पुट है, कॉल की जगह यहां पर आप कैप पकड़ो और पुट की जगह हम यहां पर पकड़ेंगे फ्लोर, ठीक है। तो कॉल मतलब कैप समझ लो, यहां पर जो उधर कॉल था इधर कैप है, और जो पुट था उधर इधर फ्लोर है। तो फ्लोर में हम क्या करते हैं बता, फ्लोर ऑप्शन में अगर मान लीजिए हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम फ्लोर बाई करते हैं, यानी पुट ऑप्शन जैसा। मान लीजिए 8.5% में मैंने फ्लोर बाई किया तो नीचे जाएगा ना, मान लीजिए 7% हो गया तो 1.5% का मुझे पे ऑफ मिलेगा, इस बार नीचे गिरने से मुझे पे ऑफ मिलेगा, बढ़ने पर लैप्स होगा, फ्लोर बढ़ने पर लैप्स होता है, कैप गिरने पर लैप्स होता है, कैप बढ़ने पर एक्साइज होता है, फ्लोर गिरने पर एक्साइज होता है, तो ये हो गया फ्लोर ऑप्शन, है ना। तो आपका जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंगली आप कैप या फ्लोर लोगे। इसके अलावा एक और चीज, मान लीजिए मैं बोरोवर हूं और मैंने फ्लोटिंग रेट में लोन बोरो करके रखा हुआ, तो मुझे डर है कि कहीं आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मुझे तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम कैप खरीदते हैज करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं 8.5% मैंने अभी अभी इंटरेस्ट दिया है, अगले साल 12% हो गया तो मुझे 12 देना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मैं काम करता हूँ, मैं इसको हैज कैसे करूँ, मैं कैप ऑप्शन खरीद लेता हूँ। उससे क्या होगा कि कल को अगर ये बढ़ेगा तो मुझे बढ़ा हुआ रेट देना पड़ेगा, पर जितना बढ़ेगा उतना मुझे मिल जाएगा कैप के जरिए। और अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर को डर रहता है कि कहीं इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे जाके मुझे फ्लोटिंग रेट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो मुझे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना, क्योंकि मैंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो क्या नहीं फ्लोटिंग रेट में किया हमने। तो यहां पर हम फ्लोर स्ट्रेटेजी, फ्लोर खरीद लेते हैं कि अगर मान लीजिए कम हुआ इंटरेस्ट रेट तो मुझे कम मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन फ्लोर से मुझे पे ऑफ मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, स्पेकुलेशन भी कर सकते हो, हेजिंग भी कर सकते हो यहाँ पर आप। तो ये हमने देखा कैप और फ्लोर। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कॉलर क्या चीज हो गया, ये कॉम्बिनेशन है कैप एंड फ्लोर का, ये कॉम्बिनेशन भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, दो क्वेश्चन इसका, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा वन बाय वन, ये पांच पेपर, एक आपका स्टडी मटेरियल में भी है उसमें सोल्यूशन गलत है, एंड आपको सोल्यूशन इस प्रकार से करना है जो मैं इसका बता रहा हूँ, पांच पेपर वाला, इसका सोल्यूशन भी सही इस प्रकार से ही आपको करना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एमपीडी ने 50 मिलियन का फ्लोटिंग रेट लोन इशू किया है, मतलब इसने इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसे उधार लिए 50 मिलियन का, कब लिया, July 1, 2018 को लिया है, और ये 6 मंथ्स में रिसेट होगा, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट,
यानी लाइबोर जो है वो देना पड़ेगा प्लस 0.5% देना पड़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5%। एमपीडी इज इंटरेस्टेड इन एन इंटरेस्टेड कॉलर स्ट्रेटेजी, देखो कॉलर स्ट्रेटेजी में इंटरेस्टेड है, मतलब ये कैप और फ्लोर दोनों लेगा, बाय सेलिंग ए फ्लोर एंड बाइंग ए कैप। एमपीडी बाइज द 3 ईयर्स कैप एंड सेल्स 3 ईयर्स फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आप देखो इसने क्या क्या बताया, इसने इसे डर है कि कहीं लाइबोर बढ़ जाएगा तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसलिए इसने कैप बाई कर लिया। किस रेट पे कैप बाई किया, 8% के रेट पे कैप बाई किया, तो कैप बाई करने पर इसका इंटरेस्ट लगेगा, तो इसने सोचा मेरा इंटरेस्ट आउटफ्लो हो रहा है, तो इसने सोचा मैं फ्लोर बेच देता हूँ किसी को, तो किसी को फ्लोर खरीदा नहीं इसने, इसने फ्लोर बेचा है, मतलब प्रीमियम खा के फ्लोर बेचा है, मतलब 5% के नीचे अगर जाएगा तो 5% के जितना नीचे जाएगा उतना हमें पे ऑफ देना पड़ेगा क्योंकि हमने फ्लोर को सेल किया। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा कैप में हमारा प्रीमियम जा रहा है, फ्लोर सेल करने से हमारा प्रीमियम आ जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा कहीं ना कहीं, पूरा सेट ऑफ हो जरूरी नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन ने लिखा हुआ कि पूरा सेट ऑफ हो गया, क्योंकि कैप में आपने प्रीमियम दिया, फ्लोर में आपको प्रीमियम मिल गया, पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया आपका। अब देखो हमें यह पता चल गया 8% के ऊपर जाएगा कैप एक्साइज होगा, 5% के नीचे जाएगा फ्लोर एक्साइज होगा। कैप जब एक्साइज होगा हमें पैसा मिलेगा, हमें इनफ्लो होगा, फ्लोर जब एक्साइज होगा हमें देना पड़ेगा, है ना, ये हमने देखा। आगे, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच 6 reset date, आपको ईच रिसेट डेट का इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना दिया वो बताना पड़ेगा। ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका दिया हुआ है एवरेज, और ये भी निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हर रिसेट डेट का भी निकालना है, और एक चीज क्या निकालना है, एवरेज भी निकालना है, ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट राउंड ऑफ करना है 2 decimals में। तो चलिए अगर क्वेश्चन बोले राउंड ऑफ करना 2 decimal में, तो आप राउंड ऑफ करोगे 2 decimal में, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप देखिए आपका अलग अलग रिसेट डेट का लाइबोर दिया हुआ है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहला 1 जुलाई 2018 को अगर हमने लोन लिया है तो पहला 6 महीने का इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को ही कोई जो आपका लाइबोर का रेट होगा वही रेट हमें 6 महीने के बाद देना है। ऐसा नहीं होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आज पता चला आज ही इंटरेस्ट देता, नहीं, आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 6 महीने के बाद जब मैच्योरिटी आएगा तब हम इंटरेस्ट देंगे, ये समझना है। तो पहला 6 महीने में ऐसे भी पॉसिबल नहीं होता है कैप ऑप्शन वगैरह, बट यहां पर भी वैसे ही किया, बट यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड मुझे आपको बताना है। तो देखो पहला रिसेट डेट में आपका पहला रिसेट डेट होगा क्या, 1 जुलाई 2018 को अगर आपने लोन लिया है तो आपको 31 दिसंबर 2018 को आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, बट इन्होंने 31 दिसंबर 2018 को पेमेंट कुछ भी नहीं किया, पहला पेमेंट कर रहे और नेक्स्ट 6 महीने के बाद, तो पहला 6 महीना इन्होंने नजरअंदाज किया है, इसे ना हम भी नजरअंदाज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, देखो 31 दिसंबर 2018 को रिसेट डेट में लाइबोर है 7%, तो इस डेट का ये जो डेट है ये आने वाले 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 31 दिसंबर 2018 को जो लाइबोर का रेट है 7%, इस पे हम इंटरेस्ट कब देंगे 6 महीने के बाद, कौन सा 30 जून 2019 को हम देंगे। तो आप देखो रिसेट डेट आपका 31 दिसंबर 2018 है, उस दिन लाइबोर 7% है, लेकिन हम पेमेंट 30 जून 2019 को करेंगे, 6 महीने के बाद हम पेमेंट करेंगे 30 जून 2019 को, है ना। तो इसमें डेज कितना आ रहा आपका, इसमें डेज कितना आ रहा आप देख लेना, 181 डेज आ रहा है 31 दिसंबर 2018, तो आप वो दिन मत पकड़ो, जनवरी का 31 28 31, इधर 90 और है, फिर 30 मई का 31 जून का 30, तो इधर 91 इधर 91 180 तू होगा, लास्ट का पहला एक दिन मत लो, लास्ट का एक दिन मत लो, फिर भी सॉरी हाँ 181 ही आ रहा है, इधर 90 आया, पहला दिन हमने नहीं लिया 31 को, लास्ट वाला लेंगे पूरा, तो इधर 91 आ रहा है, 181 डेज आया। तो आप क्या करोगे, वही 50 मिलियन जो हमने उधार लिया है इस पे हमारा इंटरेस्ट बैंक को कितना जाएगा, जिससे हमने लोन लिया है, लोन जिससे लिया उसको लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट देना है, यानी लाइबोर है 7% प्लस 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5%, 7.5% हमें इंटरेस्ट देना है 181 डेज का, यानी इतना इंटरेस्ट हमें बैंक को देना है। मैं एक बार कैप और फ्लोर नहीं बता रहा, है ना, इतना इंटरेस्ट देना। फिर नेक्स्ट आपका रिसेट डेट क्या है, 30 जून 2019 को, तो इसका पेमेंट क्या होगा 6 महीने के बाद, 31 दिसंबर 2019 को पेमेंट होगा, ये देखिए, तो 30 जून 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच में 184 डेज हो रहा है, आप देख सकते हो जुलाई का 31 अगस्त 31 सितंबर 30 इधर आपका 92 हो रहा है, फिर उधर अक्टूबर 31 नवंबर 30 दिसंबर 31 इधर भी 92 184 डेज हो रहा है, तो 184 डेज का 50 मिलियन का 8 नहीं लेंगे, 8 की जगह 8.5 होगा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट भी तो ऐड करना है, तो हमारा इतना इंटरेस्ट आएगा। वैसे सेम आपका 31 दिसंबर 2019 को 6% है, मतलब 6.5 हो गया 50 बेसिस पॉइंट लगा के, तो हम पेमेंट कब करेंगे, 30 जून 2020 को हम पेमेंट करेंगे,
6.5% में 182 डेज का, और यहां पर लीप ईयर आएगा, इन दोनों में ध्यान रखना क्योंकि 2020 का फेब में लीप ईयर होता है, तो वो लीप ईयर यहां पर आ जाएगा, ये आप ध्यान देना। मैं यहां पर सर्कल भी कर रखा हुआ है, 366 डेज होगा यहां पर। और यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर इन्होंने क्या क्या पता, आखिरी पेमेंट कब क्या पता, 31 दिसंबर 2021 को आखिरी पेमेंट हुआ है, 6 रिसेट डेट दिया हुआ है ना। लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर हमने 1 जुलाई 2018 को इंटरेस्ट लोन लिया है 3 साल के लिए, तो ये मैच्योरी हो जाएगा 30 जून 2021 को, तो हम जब मैच्योरी 30 जून 2021 को हो जाएगा, तो 31 दिसंबर को थोड़े ना हम देंगे। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने पहला 6 महीना को इग्नोर करके आगे आप करते गए, डेट ऑफ पेमेंट जो है घसकते गया बिकॉज ऑफ रिसेट डेट। तो ये आपको ऐसे एग्जाम में करना, ये गड़बड़ी इनकी पर आपको ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान रखना, जो रिसेट डेट होगा वो डेट में पेमेंट नहीं होगा, उसके 6 महीने के बाद का डेट में पेमेंट होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही नंबर ऑफ डेज है, उस हिसाब से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब एक और लास्ट वाला करा देता हूं मैं, देखो लास्ट में रिसेट डेट है 5.25, 30 जून 2021 को, ठीक है। तो इस दिन आपका रेट है कितना, 5.25%, बेसिस पॉइंट जोड़ देंगे तो 5.75% होगा, ये वाला इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका 50 मिलियन में, और पेमेंट कब होगा, 6 महीने के बाद, 31 दिसंबर 2021 को, तो आपका इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट हमने हर पीरियड का निकाल लिया। अब कैप और फ्लोर की बात करते हैं। देखो कैप कब एक्साइज होगा, जब 8% के ऊपर जाएगा, 8 के ऊपर एक बार भी लाइबोर नहीं किया, यहाँ पर लाइबोर प्लस 0.5, ये वाला मत लेना 8.5, लाइबोर पे आपने 8% में कैप लगाया, तो लाइबोर आपका कहीं पर भी 8 के ऊपर नहीं जा रहा, तो कैप हमेशा देखो लैप्स कर रहा है आपका। लेकिन आपका 5% के नीचे लाइबोर गया है क्या, यस, दो जगह में 5% के नीचे लाइबोर गया, तो 4.75 यानी 0.25 का फ्लोर एक्साइज होगा, यहां पर 0.75% का फ्लोर एक्साइज होगा। तो देखिए 50 मिलियन पे 0.25%, 50 मिलियन में 0.75%, ये चौथा और पांचवा वाला, चौथा पांचवा का आपका डेज भी है 184/366, 185/365, यही डेज आपको लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वही आपका फ्लोर का ये रहा, यहां पर मैंने वर्किंग कर रखा हुआ है, फ्लोर में आपका पे ऑफ जाएगा क्योंकि फ्लोर आपने बेचा है, तो 50 मिलियन में 0.25% और इधर 50 मिलियन में 0.75% डेज, तो यही वाला ले लेंगे दोनों जो है, तो आपका ये पे ऑफ होगा, तो ये फ्लोर में आपका पे ऑफ जाएगा। तो नेट आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, ये वाला तो यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी ये होगा, इसमें ये दोनों जोड़ देना आप, क्योंकि ये भी आउटफ्लो ये भी आउटफ्लो है, इसमें भी ये दोनों जोड़ देना आउटफ्लो है, ये आपका ये आ जाएगा, अगर पे ऑफ होता तो माइनस होता, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ये लग रहा आपका, इतना लग रहा आपका 9813703, कितने पैसे में, 50 मिलियन पे यानी 5 लाख पे, इंटू 100 कर दो, लेकिन ये टोटल 1096 डेज का इंटरेस्ट है, हमें तो एक साल का पर एनम बताना होता है हमेशा, तो हम डिवाइड बाय 1096 कर देंगे टोटल 3 इयर्स का डेज, इंटू 365 कर देंगे ताकि पर एनम का आ जाए। तो ईच रिसेट डेट का भी आपका आ चुका है ये, और ये आपका टोटल भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया, बस आपको ये ध्यान रखना जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट लोगे तो लाइबोर में देखो 50 बेसिस पॉइंट आप जोड़ोगे, ये आप ध्यान रखना, और रिसेट डेट और पेमेंट डेट के बीच का डिफरेंस ही नंबर ऑफ डेज होगा, कुछ नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट आप निकालो हर बार, और कैप आपका 8 के ऊपर जाएगा तो कैप एक्साइज होगा, नहीं गया 5 के नीचे जाएगा तो फ्लोर एक्साइज होगा, दो बार 5 के नीचे गया 4.75 4.25। तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट के टाइम में तो 0.5% जोड़ेंगे क्योंकि लाइबोर प्लस 0.5% दे रहे हैं हम, लेकिन जब पे ऑफ निकालेंगे तब 0.5% का कोई रूल नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। अब एक और क्वेश्चन है, इसका मैंने क्रक्स आपको यहां पर दिया हुआ, और मैंने बोला भी रेफर करना क्वेश्चन नंबर 35, ये मैंने आपको यहां पर रिवीजन नोट्स में दिया हुआ है, मैं सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 35 में ले चलता हूं, उसके जरिए मैं आपको करा देता हूं, फिर ये आपका इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी हमारा फिर हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप देखो यहां पर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना, यहां पर इन्होंने बोला कि आपका कैप ऑप्शन के जरिए कितना इंटरेस्ट रेट रिस्क आपने हेज किया, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन है, ये बोला हमें कि हमने 15 मिलियन पाउंड बोरो किए, 6 मंथ्स लाइबोर प्लस 10% हम देंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 6 मंथ्स लाइबोर मतलब 6-6 महीने में हम देंगे लाइबोर प्लस 10%, यानी हाफ लाइबोर होगा प्लस 5% होगा आपका। द कंपनी एंटीसिपेट से राइस इन लाइबोर, इसलिए इसने कैप ऑप्शन खरीदा 8% के स्ट्राइक रेट में, लमसम प्रीमियम भी दे रहे थे 1% फॉर द एंटायर रिसेट पीरियड, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का। एक्चुअल पोजीशन ऑफ लाइबोर आपका ये हो गया हमारा। तो आप देखो हमने 8% में कैप खरीदा, अगर 9 हो जाएगा तो 1% हमें पे ऑफ मिलेगा,
तो 15 मिलियन पाउंड पे हमें 1% का पे ऑफ मिलेगा। और ये हम यहाँ पर इन्होंने मंथ्स में किया, हम 6/12 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 15 मिलियन पाउंड में 1% का पे ऑफ आएगा, पर 6-6 महीने का रिसेट पीरियड आपका। नेक्स्ट वाला 15 मिलियन पाउंड में 8% में हमने कैप लिया था, 9.5 हो गया, तो 1.5% में 6 महीने का। नेक्स्ट 15 मिलियन पाउंड पे 10 हो गया, 8 के ऊपर 10 हो गया, 2% 6 महीने का। तो इससे आपका कैप का पे ऑफ आ जाएगा हमारा, ये हमने समझ लिया एकदम अच्छे से। अब इंटरेस्ट भी तो दे रहे, प्रीमियम भी तो दे रहे, प्रीमियम कितना दे रहे, लमसम एक बार देंगे एंटायर रिसेट पीरियड का, एक बार देंगे हम टोटल। तो 15 मिलियन पे 1% देंगे हम प्रीमियम, यानी पाउंड 1,50,000 देंगे। लेकिन ये वाला आपका पाउंड 1,50,000 प्रीमियम होता, बट यहाँ पर इन्होंने 1% प्रीमियम के बाद एक और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दे दिया ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे, 4 रिसेट पीरियड में स्प्लिट करेंगे। तो ये 6-6 महीने का तो 3.5% होगा, क्योंकि पर एनम है 7%, और हमारा तो रिसेट 6-6 महीने में हो रहा है, तो 6 महीने का 3.5% होगा। तो 1,50,000 को मैं 6 रिसेट पीरियड में भेजूंगा, तो आपको 1,50,000 को डिवाइड करना पड़ेगा जो 4 हाफ ईयरली का पीवी से आपको भेजना पड़ेगा, उसका पीवीआईएफ निकालना पड़ेगा। तो 4 हाफ ईयर्स का पीवीआईएफ अगर आप निकालोगे वो 3.671 आएगा। कैसे करना है, 1/1.035, ये आया 966, 934, 902 और 871, ये जो पॉइंट में इन सबको प्लस करेंगे ना, तो आपका 3.67 आएगा, 3.673 आएगा, ऐसे ने 3.671 लिया, अब दोनों करेक्ट रहेगा आपका। तो यहाँ पर इससे आपका प्रीमियम आ गया एवरी रिसेट डेट का। तो हमने कुछ नहीं किया, ये 1,50,000 का जो प्रीमियम है इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसलिए क्या, ताकि हमें पता चल सके कि कितना हद तक हमने हेज किया है कैप ऑप्शन के जरिए। तो आप देखो, आपका यहां पर जो है कैप की वजह से, मैंने आपको बताया था, आपका कैप की वजह से आपका इतना आपको एडिशनली फायदा मिलेगा, लेकिन प्रीमियम भी तो आपको लग रहा है, तो नेट फायदा आपको ये मिलेगा, बस इतना ही आपको करना है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप प्रीमियम निकालोगे और फिर इसको 4 सालों में स्प्लिट करके, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू में खींचते हैं ना, इस बार प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे नहीं, भेजेंगे, इसलिए डिवाइड बाय क्या, 4 इयर्स का पीवीएफ है ना, डिवाइड हमने किया यहां पर, यहां पर आपने डिवाइड बाय क्या किया वो भी समझा देता हूं मैं, 1 × PVIF 3.5% 4th हाफ ईयरली पीरियड, समझ ही गए होंगे अब इससे, ठीक है। तो आपका ये मतलब हर 3 रिसेट पीरियड ही दिया हुआ यहां पर इन्होंने, तो 3 रिसेट पीरियड में ये आपका पे ऑफ आपको मिलेगा, प्रीमियम का खर्चा आपका इतना लगेगा, तो नेट रिसेट आपको इतना मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जितना आपको पैसा मिल रहा है, ये तीनों मिला के आपको पैसा 337500 मिल रहा है ना, और ये आपका, लेकिन नेट बेनिफिट आपको 214917 आ रहा है। तो ये पैसा जो आपको मिल रहा है ये तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इतना एक्स्ट्रा आपका लगेगा भी, बैंक में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक में आपका ज्यादा पैसा लगेगा भी, तो जितना मिल रहा है उतना लगेगा हमारा, इसलिए तो मिल रहा है। तो ये लगेगा जिसमें से हम इतना रिकवर कर पा रहे, 214917 हमारा हैज हो पा रहा है इतना फार तक, ये समझ लो, ये आप पे कोई एहसान नहीं हो रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो एक्चुअल बोरिंग है, तो इतना आपका खर्चा भी लगेगा, लेकिन आपको नेट फायदा इतना मिल रहा है क्योंकि प्रीमियम भी तो खर्चा लग रहा है आपका। तो ये आपने यहाँ पर बता दिया, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप कर लोगे। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी मैंने आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया आपको मैंने। अब मुझे आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप बताने, एक और क्वेश्चन ऐसा पार्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप में आ जाते हैं, अब इंटरेस्ट रेट स्वैप में आ जाते हैं। चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप अभी हम रिवाइज करते हैं, और ये समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक बोरोअर हूं और मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो फिक्स रेट में भी बोरिंग कर सकता हूँ या फ्लोटिंग रेट में भी बोरिंग कर सकता हूँ। फिक्स रेट में बोरिंग करने का मतलब ये है कि आगे जाके मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए अगर मैंने लोन लिया तो हर साल मैं इंटरेस्ट जो दूंगा या 6-6 महीने में जो इंटरेस्ट दूंगा वो मैं 2 प्रकार से दे सकता हूँ। अगर मैंने फिक्स रेट में बोरिंग किया तो मैं बोलूंगा ठीक है 10% का रेट डिसाइड हुआ, 10% फिक्स देना है मुझे हर साल हर पीरियड में, रेट चेंज हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10% ही देना है। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग रेट में मैं बोरो करता हूँ तो वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे रेट्स में चेंजेस आते हैं वही चेंज रेट में हमें
इंटरेस्ट देना होता है। जैसे मान लीजिए पहले साल में इंटरेस्ट रेट 7% हुआ तो मुझे 7% देना पड़ेगा, अगले साल 10% हुआ तो मुझे 10% देना पड़ेगा, अगले साल 15% हुआ तो मुझे 15% देना पड़ेगा। तुम दो प्रकार से बोरोइंग कर सकते हैं यहाँ पर। बट अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं फिक्स रेट में बोरिंग करूं, ताकि वो बढ़ा हुआ रेट मेरे पे अप्लाई ना हो, मेरे मैं तो फिक्स रेट दूंगा फिर बाद में। लेकिन अगर वही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो ऐसे सिचुएशन में मैं फ्लोटिंग रेट में बोरो करना चाहूंगा, ताकि गिरे तो उसका फायदा मुझे मिले। तो ये क्लियर दिमाग में रखना, एक बोरोवर अगर उसे लगता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो फिक्स रेट बोरिंग करेगा, और अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो वो फ्लोटिंग रेट में बोरो करेगा। तो वैसे अगर हम स्वैपिंग की बात करें, अब हम स्वैपिंग की बात करते हैं, स्वैपिंग का मतलब ये हो गया इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग है यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हम इंटरेस्ट रेट में खेल रहे हैं, मैंने बोला कि मैं एक नॉशनल अमाउंट डिसाइड हो जाएगा 10 लाख रुपीज, मान लीजिए मैंने बोला 10 लाख रुपीज में मैं हर साल आपको फिक्स रेट मान लो 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और आप मुझे हर साल फ्लोटिंग दे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिक्स्ड देना चाहूंगा और आपसे फ्लोटिंग लेना चाहूंगा। मतलब ये स्वैपिंग इसी प्रकार से होता है, एक पार्टी फिक्स देगा एक पार्टी फ्लोटिंग देगा, और अगर वही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको फिक्स दूं और आपसे मैं फ्लोटिंग लूं। आप इसका एग्जांपल भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आपको 10% फिक्स दूंगा, अब कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ के 15% हो गया, तो मैं तो आपको 10% ही दूंगा, 1 लाख का 10% 10,000 दूंगा, पर आप मुझे दोगे वेरिएबल 1 लाख का 15% यानी 15,000 दोगे, मेरा फायदा हुआ ना। लेकिन वही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया 5% हो गया, तो मैं मुझे तो आपको 10% यानी 10,000 1 लाख का 10% सॉरी 10 लाख का 10% 1 लाख देना पड़ेगा, पर आप तो मुझे दोगे ओनली 5% यानी 50,000। तो वही आप ये समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में बढ़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में मैं चाहूंगा कि मैं फिक्स दूं और मैं वेरिएबल रिसीव करूं। वही अगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट गिरेगा, तो स्वैपिंग अगर मैं कहूँ करूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं वेरिएबल दूं और मैं फिक्स्ड रिसीव करूँ, क्योंकि गिरेगा तो मैं गिरा हुआ देना चाहूंगा वेरिएबल, है ना, और मैं आपसे फिक्स्ड लेना चाहूंगा। तो समझ में, अगर लगता है बढ़ेगा तो फिक्स देंगे वेरिएबल लेंगे, लगता है गिरेगा तो वेरिएबल देंगे फिक्स लेंगे। तो इस प्रकार से स्वैपिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, प्रतीक जगाते मैं हूं, मैंने स्वैप में एंटर किया, मैंने बोला कि मैं फिक्स्ड 5% एवरी 6 मंथ्स में दूंगा 10 लाख के नॉशनल अमाउंट में, तो 10 लाख का 5% यानी 50,000 तो मैं हर साल आपको दूंगा, तो मेरा ये डिसाइडेड है हर रिसेट पीरियड में, मान लीजिए हर 6 महीने में डिसाइडेड 10 लाख का 5% मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा। अब अगर मान लीजिए 6% रेट हुआ, तो मुझे तो आपसे 6% मिलेगा यानी 60,000 मुझे मिलेगा, पर मैं दूंगा आपको 50,000, मेरा 10,000 का फायदा हो गया ना, क्योंकि मैं फिक्स दे रहा हूँ यहाँ पर, तो बढ़ने से मेरा फायदा होगा। तो देखिए 5 का 6 हुआ तो मेरा फायदा हुआ, 5 का 5.5 होगा तो भी मेरा फायदा होगा, लेकिन कम होगा तो मेरा नुकसान होगा। तो अब मुझे तो 50,000 देना, अगर 4% हुआ तो आप तो मुझे 40,000 दोगे, मेरा 10,000 का नेगेटिव आएगा, नुकसान होगा मेरे यहाँ पर। तो यही छोटा सा एग्जाम्पल मैंने फटाफट से क्विकली रिवाइज कराया। अब एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए मैं प्रतीक जगाती हूँ, मैं 5 लाख रुपीज बोरो करना चाहता हूँ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। क्यों मैं करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट गिरेगा, इसलिए मैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा फ्यूचर। फ्लोटिंग रेट आपका L+3.75% है, फिक्स रेट आपका 11.5% में मिल रहा है। स्वैप बैंक ने कोट कर दिया फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग ये वाला। तो देखो आपके पास दो रास्ता है, एक तो आप ऐसा कर सकते हो सीधा फ्लोटिंग में L+3.75% में बोरो कर लो, फ्लोटिंग में बात खत्म, बात ही खत्म यहाँ पर, L+3.75% में आपने बोरो कर लिया, बात खत्म। दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि आप फ्लोटिंग में मत करो, आप फिक्स्ड में बोरो कर लो। आप बोलो सर क्या बात करो, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था क्लास में, अलग अलग टाइप का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, तो मैंने सीधा उससे शादी कर लिया तो स्वैपिंग की तो बात ही नहीं आती, पर अगर मुझे स्वैपिंग करना है मैंने किसी और से शादी कर ली और मेरे अपने दोस्त को बोल दिया तू उससे शादी कर ले फिर स्वैपिंग करवा दिया, तो ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था हमने डिटेल्ड वाले में, है ना। तो यहाँ पर वही है, अगर आपको स्वैपिंग करना है, आपको स्वैपिंग में देख लो कि कहीं कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एदर आप डायरेक्टली L+3.75 बोरो कर लो फ्लोटिंग में, या फिर आप अगेंस्ट द डिजायर जाके फिक्स्ड में बोरो करो। तो प्रतीक जगाती ने मान लो लेंडर से फिक्स्ड में बोरो किया 11.5% फिक्स्ड में बोरो किया, अब हम स्वैप बैंक के साथ स्वैपिंग कर लेंगे। स्वैप बैंक को हम क्या बोलेंगे कि देखो हमने फिक्स्ड में बोरो कर रखा हुआ है, आप हमें फिक्स दे दो, हम आपको फ्लोटिंग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, 9% फिक्स्ड उनसे ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे और उनको फ्लोटिंग दे देंगे L+0.25%। तो यहां पर आप देखो, मेरा लेंडर को मैं फिक्स दूंगा 11.5%, लेंडर को मैं क्या करूंगा फिक्स दूंगा 11.5%, बात खत्म। तो अब जबकि मैं फिक्स दे रहा हूं, तो मुझे तो फिक्स देना ही नहीं रियल में, रियल में तो मुझे फ्लोटिंग देना है, तो मैं क्या करूंगा स्वैप बैंक में मैं फिक्स्ड को लूंगा,
तो ये फिक्स्ड 9% में रिसीव करूंगा, ये 9% फिक्स में रिसीव करूंगा और उसको मैं दूंगा। मतलब वो एक्सचेंज कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप फिक्स दे दो फ्लोटिंग ले लो, या आप फिक्स ले लो फ्लोटिंग दे दो। तो उस हिसाब से हम एक्सचेंज करेंगे, हमने बोला 9% हम फिक्स लेंगे और एल प्लस 0.25% हम वेरिएबल दे देंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम पे क्या क्या कर रहे हैं, 11.5% पे कर रहे हैं और L प्लस 0.25% पे कर रहे हैं, यानी L प्लस 11.75 हम पे कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं 9। तो नेट कितना आ गया, L प्लस 2.75% नेट आ गया। अब ये देख सकते हो ये वाला, तो आपका आउटफ्लो और इनफ्लो मिला के नेट आपका L प्लस 2.75% आ रहा है। तो आप खुद बताओ, डायरेक्टली फ्लोटिंग में बोरो करोगे तो L प्लस 3.75% लगेगा, वही अगर आप मान लीजिए फिक्स्ड में बोरो करके स्वैपिंग करोगे तो आपका सिर्फ एल प्लस 2.575% लगेगा। तो आपका 1% का फायदा हो रहा है ना, सेविंग हो रहा है ड्यू टू स्वैपिंग। तो स्वैपिंग कुछ इसी प्रकार है, आप हमेशा ध्यान रखना स्वैपिंग में आप पहले अगेंस्ट द डिजायर जाओगे। अगर आपको फ्लोटिंग बोरो करना, फ्लोटिंग बोरो मत कीजिए, फिक्स्ड बोरो कीजिए, फिर स्वैप बैंक के साथ एक्सचेंज करा लीजिए, स्वैप बैंक से फिक्स लेके उसको फ्लोटिंग दे दीजिए, नेट में आपका फ्लोटिंग हो जाएगा, बात खत्म यहाँ पर। तो ये अगर आपने समझा। अब एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर प्रतीक जगाती को फिक्स्ड बोरो करना है क्योंकि इसे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली भी फिक्स 13% बोरो कर सकता है, पर नहीं, ये अगेंस्ट द डिजायर जाएगा, ये फ्लोटिंग में बोरो करेगा एल प्लस 3.75% में। अब जबकि हमने एल प्लस 3.75% फ्लोटिंग दिया है, स्वैप बैंक में हम क्या करेंगे, ये लेंगे एल प्लस 0.25 हम लेंगे और उसको 9 देंगे। तो इसका नेट अगर आप देखोगे तो 12.5% आपका नेट कॉस्ट लग रहा है, वह डायरेक्टली अगर हम बोरो करते तो 13% कॉस्ट लगता हमारा, ऐसे 12.5% ही लग रहा आपका। तो नेट में आपका सेविंग हो रहा है, 0.5% का सेविंग हो रहा है स्वैप में एंटर करने की वजह से, है ना। चलिए एक और एग्जांपल है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे एक और एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर मान लीजिए 2 ईयर्स पहले, मैं प्रतीक जगाती हूँ, 2 ईयर्स पहले मैंने 10 लाख रुपीज बोरो किया था 10% के फिक्स रेट पे और टोटल 7 ईयर्स के लिए मैंने बोरो किया था। अब मुझे क्या लग रहा है पता, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो 2 ईयर्स एगो मैंने 7 ईयर्स के लिए लोन लिया था, अब रिमेनिंग अभी भी 5 ईयर्स बाकी है, तो आने वाला 5 ईयर्स के लिए तो मुझे सेफ्टी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट गिरेगा और इस वजह से मैं अपना फिक्स रेट लोन को फ्लोटिंग रेट लोन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। स्वैप बैंक के पास में गया, स्वैप बैंक ने मुझे क्या बोला, 20/30 basis points ओवर 5 ईयर्स का ट्रेजरी यील्ड वर्सेस लाइबोर। तो देखिए ये जो लाइबोर है ना, ये आपका फ्लोटिंग है और ये जो दिख रहा है ना, ये 5 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है, 5 ईयर्स का फिक्स रेट दिया हुआ है। तो 5 ईयर्स का फिक्स रेट क्या बोला, ट्रेजरी यील्ड के ऊपर 20/30 basis points ट्रेजरी यील्ड आपको दिया हुआ 9%। तो ट्रेजरी रेट अगर 9% दिया हुआ, मतलब ट्रेजरी रेट में ये बेसिस पॉइंट लगा दो, तो 9 प्लस 0.20 9 प्लस 0.30 9.20 9.30% आ गया आपका। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम अभी ऑलरेडी फिक्स देते आ रहे, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कि हम आपसे फिक्स लेंगे, क्योंकि हम फिक्स देते आ रहे हैं, हम स्वैप बैंक से फिक्स लेंगे और इनको फ्लोटिंग देना चाहेंगे। तो फिक्स अगर हम लेंगे, लेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट में लिया जाता, लेंगे मतलब कमी मिलेगा, बिड वाला मिलेगा आपको। तो अब देखो यहाँ पर प्रतीक जगाती लेंडर को 10% फिक्स देते आ रहे, आप स्वैप बैंक से क्या करेगा 9.20% रिसीव करेगा, ताकि फिक्स का नेट ऑफ हो जाए, फिक्स को काटने आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो करा के रिसीव कराएगा फिक्स को, और फ्लोटिंग यानी लाइबोर यो देगा यहाँ पर। तो अब देखो हमारा अल्टीमेटली नेट आउटफ्लो क्या हो रहा है, आउटफ्लो 10 लग रहा है लेकिन 9.2 रिसीव हो जाए, यानी 0.8 अभी भी लगे और एल लगेगा, यानी एल प्लस 0.8 लगेगा हमारा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा फिक्स रेट लोन था उसको हमने फ्लोटिंग रेट लोन में कन्वर्ट करा लिया। तो मैं नहीं कहता मैंने डिटेल में बात की, डिटेल रिवीजन अलग से, मैंने बस यहाँ पर फटाफट आपको रिवाइज करा है। अब एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का, जहां पर डेली कंपाउंडिंग होता है, डेली आपका मान लो मार्क टू मार्क होता है यहाँ पर। तो देखिए डेरिवेटिव बैंक जो है वो एंटर करता है प्लेन वेनिला स्वैप थ्रू एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, यानी ये डेली कंपाउंडिंग होगा आपका, ठीक है, ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़ का नॉशनल प्रिंसिपल, आप ये समझ लीजिए, एंड एग्री टू रिसीव माइबोर फॉर ए फिक्स पेमेंट, मतलब हम फिक्स्ड पे करेंगे, माइबोर रिसीव करेंगे, लाइबोर माइबोर ये सब जो रिसीव करेंगे ये सब फ्लोटिंग है, तो माइबोर रिसीव करेंगे और हम देंगे, देखो फिक्स्ड पेमेंट करेंगे, फिक्स्ड पे करेंगे, वेरिएबल रिसीव करेंगे। द स्वैप वॉज एंटर्ड इन टू ऑन मंडे 2nd of August और ये कमेंस कब से होगा, 3rd August से होगा, मतलब ट्यूजडे से होगा, है ना, मंडे को 2nd August बताई दिया और कमेंस 3rd August से होगा और ये 7 दिनों तक चलेगा। रेस्पेक्टिव माइबोर ट्यूजडे से मंडे तक का दिया हुआ आपको यहाँ पर बोला, डेरिवेटिव बैंक ये लास्ट में पढ़ाऊंगा ये वाला लाइन, संडे होलीडे बोला, वर्क इन राउंडेड रुपीस एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग, तो आपको डेसिमल वर्किंग अवॉइड करना है, राउंडेड रुपीस में वर्क करना है। तो अब देखो ये आपका ट्यूजडे का रेट, ये वेडनेसडे का रेट, ये थर्सडे का रेट, ये फ्राइडे का रेट, ये सैटरडे और संडे दोनों का रेट होगा क्योंकि संडे होलीडे।
तो ये 2 दिन का होगा, ध्यान रखना ये सैटरडे संडे दोनों का होगा, ये मंडे का होगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ भी संडे होलीडे। ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सैटरडे संडे ये मंडे हो गया। तो आप देखो ट्यूजडे का 7.75% पर एनम ये रेट है, पर एक दिन का हमें चाहिए, ये 1 डे कंपाउंडिंग है सारा आपका। तो आप देखो अगर हम 10 करोड़ रुपीज, मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज का नोशनल अमाउंट है, तो हमें अभी माइबॉर का रेट दिया हुआ है, तो इससे हम ये पता लगा लेंगे कि फ्लोटिंग का क्या अमाउंट बनेगा, है ना, क्योंकि हम फ्लोटिंग रिसीव करेंगे ना, तो हम ये पता कर लेंगे कि फ्लोटिंग हम कितना रिसीव करेंगे। तो देखो 10 करोड़ में 7.75% इंटरेस्ट लगेगा एक दिनों का, 1/365 इतना इंटरेस्ट आ रहा है एक दिनों का, ये ट्यूजडे का आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। अब इस क्लोजिंग बैलेंस में नेक्स्ट डे इंटरेस्ट चढ़ेगा 8.15% एक दिनों के लिए, फिर इंटरेस्ट आया, क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर उस क्लोजिंग बैलेंस पे 8.12% इंटरेस्ट चढ़ेगा एक दिनों के लिए, क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर उस क्लोजिंग बैलेंस में 7.95% इंटरेस्ट चढ़ेगा एक दिनों के लिए। तो ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया, अब नेक्स्ट जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना इस पे आपका 7.98% जो इंटरेस्ट देखो 2 दिनों के लिए चढ़ेगा। ये एग्जाम में ध्यान रखना है सैटरडे संडे, क्योंकि संडे को कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, तो सैटरडे संडे 2 दिनों का एक साथ चढ़ेगा आपका इंटरेस्ट, क्योंकि संडे तो होलीडे, तो ये आपको बस ध्यान रखना है 2 दिनों का इंटरेस्ट चढ़ेगा। फिर क्लोजिंग आया, फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा 8.15% एक दिनों का। तो आपका यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज बन रहा है 10 करोड़ 1537 5740, 10 करोड़ 1,53,740। तो हमें पता चल गया फ्लोटिंग लैग में इंटरेस्ट कितना होगा 1537 5740। तो हमें कितना मिलेगा, हमें देखो हम तो रिसीव कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 1537 5740 इनफ्लो, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं, हमें इतना इनफ्लो मिलेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि डेरिवेटिव बैंक जो मैं हूं मुझे नेट में रिसीव हो रहा है 317, तो नेट में मुझे रिसीव तभी होगा जब मुझे जितना मिलेगा उससे मैं कम फिक्स दूंगा। तो आप बताइए अगर मुझे इतना रिसीव हो रहा है और मेरा नेट में इतना फायदा होगा, नेट में मुझे इतना रिसीव होगा 317, तो फिक्स्ड में कितना दूंगा, जो अमाउंट आया -317, तो आपका जो अमाउंट आया ना 153740 उसमें से अब कम दोगे 317, हम इतना ही देंगे। तो ये आपका फ्लोटिंग लेग का इंटरेस्ट हो गया, ये आपका फिक्स लेग का इंटरेस्ट हो गया। अब फिक्स लेग का जो इंटरेस्ट है इसे हम परसेंटेज भी निकालेंगे, तो फिक्स लेग का फिक्स्ड रेट जो है वो निकालेंगे 7 डेज का कंपाउंडिंग का। तो आप देखो 153423 मेरा इंटरेस्ट लग रहा है 10 करोड़ के अमाउंट पे, इनटू 100 किया, ये डिवाइड बाय 7 इसलिए किया क्योंकि ये 7 दिनों का 7 डेज का इंटरेस्ट है, और फिर इनटू 365 कर दूंगा ताकि पर एनम आ जाए, ये मेरा आ जाएगा क्या पर एनम, समझ में। लेकिन ये कंपाउंडिंग कितना है 7 डेज का कंपाउंडिंग होगा आपका ये। तो आई थिंक ये वाला पूरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कुछ नहीं करना आपको, फिक्स्ड फ्लोटिंग का पहले हिसाब करना, बस ये ध्यान रखना 2 डेज वाला खत्म, आपका फ्लोटिंग आ गया। जब अगर आपको नेट रिसीव हो रहा है और आपको फ्लोटिंग ही रिसीव हो रहा है, मतलब फिक्स्ड आप कम दोगे 317 ये आ गया, इससे परसेंटेज निकालिया, बात खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। अब करेंसी स्वैप मैं आपको कराऊंगा, करेंसी स्वैप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंसी स्वैप का, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेंसी स्वैप का है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ए इनकॉर्पोरेशन बी इनकॉर्पोरेशन दोनों को बोरो करना है, बस फर्क ये ए को डॉलर 2 लाख बोरो करना है डॉलर में ही, लेकिन बी को येन में बोरो करना इक्विवेलेंट 2 लाख डॉलर का अमाउंट, यानी डॉलर 2 लाख का इक्विवेलेंट अमाउंट इसे येन में चाहिए। तो ए का डिजायर है डॉलर, बी का डिजायर है येन। अब देखो यहां पर ए इनकॉर्पोरेशन ऑब्वियसली डॉलर में बोरो करेगा 9% में, और बी इनकॉर्पोरेशन को येन में लोन चाहिए 8% में बोरो करेगा, तो 9 और 8 मिला के 17% होता है। लेकिन वही अगर ए इनकॉर्पोरेशन मान लीजिए येन में बोरो कर ले बी के लिए, और बी इनकॉर्पोरेशन डॉलर में बोरो कर ले ए के लिए, तो 10 और 5 मिला के 15% होता है, तो 17 की जगह 15% में काम हो जाए। और ऐसे ही मैंने सिखाया था स्वैपिंग में हम अगेंस्ट द डिजायर करते हैं, तो यहाँ पर ए इनकॉर्पोरेशन इसको डॉलर में लोन चाहिए लेकिन ये येन में बोरो करेगा, किसके लिए, बी के लिए, यानी बी को बोलेगा तू रुक जा तेरे बिहाफ में मैं बोरो कर ले रहा हूँ 5% में, तो इसे येन में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% बैंक को। तो ए का 5% इंटरेस्ट लगेगा किसमें, येन में लगेगा, ये देखो येन में इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही बी डॉलर में बोरो करेगा, डॉलर लोन बोरो करेगा 10% में, बी को बैंक को देना पड़ेगा 10% डॉलर में। अब ऑब्वियस ही बात है ए किसके लिए कर रहा है, बी के लिए कर रहा है, बी किसके लिए कर रहा है, ए के लिए कर रहा है, तो ए बी को बोले ना मुझे रिमबर्स कर मैं तेरे बिहाफ में बोरो किए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है करेंसी स्वैप में एंट्री किया, जहां पर एग्री किया गया कि बी ए को 1% देगा ओवर द येन लोन, तो येन में ए का 5% लग रहा है लेकिन बी से ये रिमबर्समेंट 1% ज्यादा लेगा, 6% लेगा, वो लिखा हुआ है 1% एक्स्ट्रा लेगा, तो यानी बी ए को रिमबर्स करेगा 6%,
किस में, येन में रिमबर्स करेगा, क्योंकि येन में लग रहा है ना, क्योंकि ए का लोन पे इंटरेस्ट येन में लग रहा है, ये रिमबर्समेंट ले लेगा बी किससे, ए से, तो ए को मिलेगा। देखो ए को 6% मिल रहा है येन में, येन में मिला, इसने येन में दे दिया। अब यहां पर ए भी तो, बी भी तो यहां पर डॉलर में बोरो किया था ए के बिहाफ में, तो ए भी बी को रिमबर्स करेगा, लेकिन क्वेश्चन ने लिखा हुआ ओनली 9%, तो ए यहां पर बी को देगा 9%। देखो किस में देगा, डॉलर में देगा, और बी को मिल जाएगा ए से, मतलब 9% हो गया। मतलब यहां पर बैंक को ए दे रहा है 5% येन में और बी दे रहा है 10% डॉलर में। जो ए 5% दे रहा है बैंक को, बी से रिमबर्स मिल जाएगा 6% येन में। देखो बी ने दिया है, इसको रिमबर्स मिल गया, और वही जो बी दे रहा है 10% डॉलर में इंटरेस्ट, ए इसको रिमबर्स कर देगा 9%, इसका आउटफ्लो। इधर देखो इसको मिल गया 9%, तो एफेक्टिवली इसका कितना लग रहा है, 5 + 9 = 14 -6 8%, क्योंकि आउटफ्लो आउटफ्लो प्लस कर दिया माइनस इनफ्लो, आपका नेट आउटफ्लो 8% हो रहा है। और इधर भी आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 10 + 6 = 16 -9 कितना आ जाएगा, 7% तो 8 और 7 मिला के 15% हो गया ना, तो वही हो रहा है। देखो पहले जहां इसका 9% लगता है ए का आप 8% ही लग रहा है, वही बी का 8% लगता है, इसका आप 7% लग रहा है, 1-1% दोनों का फायदा हो गया यहाँ पर। यही आपका, अब यही चीज जो है, यही चीज आपको वैल्यूज में करना है। एग्जाम में ऐसे करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यही चीज आपको वैल्यूज में करनी है। यहाँ पर देखो ए इनकॉर्पोरेशन, अब तो याद भी हो गया, ए इनकॉर्पोरेशन ने आपका लोन बोरो किया था येन में, येन में बोरो किया था, 2 लाख का इक्विवेलेंट येन क्या होगा, 2 लाख × 120, 2 लाख × 120 यानी ए का 240 लाख रुपीज ए ने बोरो किया 5% के रेट में येन में, तो ए को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को कितना, 12 लाख रुपीज। कैसे आया मैं बता रहा हूँ, ए यहाँ पर 2 लाख डॉलर का येन इक्विवेलेंट अमाउंट, 2 लाख डॉलर × 120 2 लाख 240 लाख रुपीज इसने बोरो किया 5% में बी के बिहाफ में, तो इसका इंटरेस्ट का खर्चा इतना आ गया, 12 लाख येन में खर्चा आया इसका। वही बी क्या करेगा, बी डॉलर 2 लाख ही बोरो करेगा, डॉलर में बोरो करेगा 10% के रेट में, तो डॉलर 2 लाख × 10% इसका डॉलर 20,000 का आउटफ्लो हुआ। ये तो आउटफ्लो क्या हुआ, बैंक में जा रहा है। अब बी जो है ए को रिमबर्स करेगा 6% येन में, तो बी पे करेगा ए को 6% किस में, येन में, 240 लाख का 6%, देख लो 240 लाख का 6% कितना आ रहा है, येन आ रहा है 14,40,000, तो इसका तो गया पर इसको मिला। तो देखो इसका गया था कितना, 12 लाख इसने बैंक को येन इंटरेस्ट दिया था, इसको रिमबर्स मिल गया 14,40,000, तो इसका नेट बेनिफिट आया यहां पर 240 लाख येन का। तो ये येन ए का तो डॉलर चलता है, ये येन में क्या करेगा, ये इसको इमीडिएटली डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका बेनिफिट जो आ रहा है वो डॉलर में इतना आ रहा है, बात खत्म। और इधर अभी हम नेट ऑफ नहीं करेंगे, इधर डॉलर और येन दो अलग अलग चीज है। यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे ये क्या होगी, देखो यहां पर आप अब क्या करेगा, ये वाला हमने किस्सा देख लिया। अब ए बी को रिमबर्स करेगा 9%, ए बी को 9% देगा, तो ए बी को जो 9% देगा है ना, कितना देगा, डॉलर में देगा, डॉलर 2 लाख में, क्योंकि बी ने डॉलर में बोरो किया था, तो ए बी को डॉलर में देगा, सब यहां पर लिखा हुआ है, तो 2 लाख का 9% $18,000 ए बी को देगा, तो ए का $18,000 आउटफ्लो है और बी का यहां पर इनफ्लो है। ये आउटफ्लो है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये यहां पर ब्रैकेट में नहीं लिखा, आउटफ्लो को हमने वैसे लिखा यहां पर इसका, तो ये इसका आउटफ्लो है यहां पर, है ना, यहां पर लिख देना, ये आउटफ्लो लिखा हुआ भी देखो आप। तो अब देखो ए का तो क्लोजिंग हो ही रहा है, ए का नेट बेनिफिट आया $2,000 का इधर, क्योंकि इसका 12 लाख येन इंटरेस्ट लग रहा था बैंक को, इसे रिमबर्समेंट मिला 14,40,000 येन, यानी 2,40,000 येन का फायदा हुआ था, जिसका इक्विवेलेंट डॉलर इतना फायदा हुआ, वो इसको $18,000 रिमबर्स करना पड़ा बी को, तो इसका नेट आउटफ्लो कितना है, 18,000 -2,000 $16,000 है, किसमें, 2 लाख पे, यानी 8% इंटरेस्ट है नेट, बात खत्म, नेट कॉस्ट आपका हो गया। और वही अगर हम बी की बात करें तो बी का देखो यहाँ पर बी को रिसिप्ट हुआ ना, जो ए ने दिया 18,000, बी को रिसिप्ट हुआ $18,000, बी को क्या हुआ, $18,000 रिसिप्ट हुआ। तो आप देखो यहाँ पर बी का $20,000 लगा था बैंक में, इसको $18,000 रिसिप्ट हुआ, तो इसका नेट कॉस्ट अभी भी लग रहा है $2,000 का, तो $2,000 का कॉस्ट लगा है, और एक ये जो इसने रिमबर्स किया ये भी लग रहा है, तो इसको येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका येन में ही सब कुछ काम हो रहा है बी का, तो इसका येन इक्विवेलेंट आएगा कितना, 240 लाख येन। तो इसका दो खर्चा, एक तो इसने जो बी को रिमबर्स, बी ने ए को रिमबर्स किया, ए को रिमबर्स किया 6%, ये खर्चा है, और जो इसका लगा, इसको इतना ही मिला नेट पे, 2000 कम मिला, तो इसका भी ये इतना आउटफ्लो है, तो ये दोनों मिला के इसका आउटफ्लो इतना आ रहा है 16,80,000 का, 240 लाख के लोन, तो इसका 7% कॉस्ट बैठ रहा है। तो आपको बस यहां पर ये ध्यान देना, मैं बी का फिर से बता रहा हूं, बी ने बैंक को दिया था $20,000,
और बी ने ए को रिमबर्स किया था क्योंकि ए ने बी के बिहाफ में लोन लिया था, बी ने ए को रिमबर्स किया था। अब ए भी बी को रिमबर्स कर रहा है $18,000, तो ये इसकी कहानी है। तो यहां पर ये तो इसका आउटफ्लो है ही, अब इन दोनों का नेट पे इसका $2,000 का आउटफ्लो, जिसका इक्विवेलेंट येन इतना हो रहा है, तो ये येन और ये येन इसका आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पर नेट आउटफ्लो इतना हुआ जिससे परसेंटेज इतना आ गया, बात खत्म। तो अगर आपने ये समझ लिया ना, इसी के पर्सपेक्टिव में हमने ये बनाया है, ये आप आराम से समझ जाओगे। ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगा, तो ये क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिस कर लेना आप एक बार। चलिए हमने समझा दिया जितना समझाना था, अब आगे हम स्वैप्शन डिस्कस करेंगे, फिर चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन अगर हमें दिखेगा करने लायक है तो वो हम करेंगे। चलिए स्वैप्शन डिस्कस करते हैं। सो स्वैप्शन बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम क्या चाहेंगे, हम स्वैपिंग कैसा स्वैपिंग करना चाहेंगे, हम ऐसा स्वैपिंग करना चाहेंगे जहां पर हम फिक्स्ड पे करें और वेरिएबल रिसीव करें, है ना, ऐसा हम स्वैप चाहेंगे। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो हम ऐसा चाहेंगे कि हम फ्लोटिंग पे करें और फिक्स्ड रिसीव करें, क्योंकि गिरेगा तो हमें फायदा होगा, है ना, हम फ्लोटिंग कम पे करेंगे फिक्स्ड रिसीव करेंगे। वैसे स्वैप्शन है, स्वैप्शन में बस एक ही फर्क है, जैसे हमने स्वैपिंग देखा था एकदम स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग में, वहां पर हमारा राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशन दोनों आ रहा था हमारा, है ना। अगर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग का याद दिलाऊं, यहाँ पर आपका राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशन दोनों आ रहा था, एंड आपका एग्जाम्पल भी जो था स्वैपिंग का आ गया, ये देखो आपका एग्जाम्पल भी जो था हमारा, हमारा यहाँ पर देखो नुकसान भी आ सकता था, प्रॉफिट भी आ सकता था हमारा, है ना, दोनों चीज पॉसिबल था हमारे यहाँ पर। बट स्वैप्शन के अंदर आपका एक ऑप्शन का, जैसे ये स्वैप ऑप्शन हो गया, स्वैप्शन मतलब स्वैप का ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आप प्रीमियम देके हक खरीद रहे हो, यहाँ पर आपका राइट तो रहेगा बट ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रीमियम दिया और हमने एक ऑप्शन खरीद लिया कि अगर हम चाहें तो फ्यूचर में हम आपको फिक्स रेट पे करेंगे और रिसीव करेंगे फ्लोटिंग, मतलब हमारा इंटेंस है, हमारा यहाँ पर थॉट क्या, हमारा थॉट ये है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो हमने एक ऑप्शन ले लिया कि अगर इनकेस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम आपको फिक्स देंगे और आपसे फ्लोटिंग लेंगे, जो बढ़ा हुआ वो लेंगे और आपको फिक्स देंगे यहाँ पर, तो हमारा फायदा होगा। लेकिन इनकेस अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो ऊपर जो इंटरेस्ट रेट स्वैप था वहां पर हमें फिर भी एक्सरसाइज करना पड़ता था, फिर भी हमारा नुकसान आता था, बट यहाँ पर हम लैप्स कर देंगे, हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको अधिकार मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन दो टाइप के है स्वैप्शन में, एक फिक्स रेट पेयर स्वैप्शन, एक फिक्स रेट रिसीवर स्वैप्शन। फिक्स रेट पेयर स्वैप्शन हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो अगर बढ़ा इनके फ्यूचर में तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करके फिक्स रेट पे करेंगे और फ्लोटिंग रिसीव करेंगे। और फिक्स रेट रिसीवर स्वैप्शन ऐसा हो गया, ये जब हम ऑप्शन लेते हैं जब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट गिरेगा। यहाँ पर आपका बेनिफिट कब होगा पता है, इफ रेट डिक्रीजेस, यहां पर बेनिफिट होगा रेट जब डिक्रीज होगा तो आपका यहां पर बेनिफिट होगा। तो यहां पर आप फिक्स रेट रिसीवर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम ऑप्शन ले रहे हैं कि इनके फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरा तो हम आपसे फिक्स रेट रिसीव करेंगे, आपको फ्लोटिंग देंगे। तो ये हमारा फायदा जब होगा तभी हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज हम लैप्स करवा देंगे, और इस चीज के लिए हम यहाँ पर प्रीमियम दे रहे होते हैं। तो ये एक ऑप्शन की तरह हो गया। तो ऊपर जो इंटरेस्ट रेट स्वैप पड़ा था वो फॉरवर्ड फ्यूचर जैसा हो गया, है ना, एफआरए जैसा हो गया, और ये जो स्वैप्शन पड़ रही है ऑप्शन जैसा हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका। अब बस हमारा एक आखिरी टॉपिक बचता है, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। उसके बाद मैं देखूंगा एक बार कोई क्वेश्चन ऐसे, तो हालांकि सारे क्वेश्चन हम करा ही दे रहे हैं, फिर भी हम देखेंगे कुछ बचा हुआ इंपॉर्टेंट है तो वो भी लास्ट में हम देख लेंगे एक बार। देखिए चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक है या कोई एंटिटी है, उसे बॉन्ड डिलीवर करना है, तो वो उसके पास मान लीजिए आरबीआई ने उसको लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दिया है, उसमें से कोई भी सिक्योरिटीज वो इशू कर सकता है, यानी उसके पास चॉइस रहता है, तो वो कौन सा बॉन्ड डिलीवर करेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा चीपेस्ट हो, वही मतलब है चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर आरबीआई कन्वर्सन फैक्टर भी आपको प्रोवाइड करता है, ये कन्वर्सन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हम यूज करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, उसी से हमने एग्जांपल बनाया। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई बैंक हूँ या मैं कोई एंटिटी हूँ, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल किया, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल करने का मतलब ये कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड वगैरह हमने सेल किया जिसमें इंटरेस्ट होगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल करने का मतलब ये है कि हम अगर आपको सेटलमेंट ना करें तो हमें डिलीवर करना होगा, तो हमने 7.5% का कूपन का बॉन्ड आपको सेल किया, मतलब हमने आपको बोला है आप हमें 1000 रुपीज देना, फ्यूचर का सेटलमेंट प्राइस क्या है,
आप हमें 1000 रुपीज दोगे और हम आपको 7.5% का कूपन का बॉन्ड देंगे। तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ऐसा बॉन्ड दू जो आपको 7.5% इंटरेस्ट कमा के दे कूपन, है ना, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे 1000 रुपीज दो। लेकिन आपको मान लीजिए आरबीआई ने अलग अलग सिक्योरिटी दिया हुआ विद कन्वर्सन फैक्टर। तो कन्वर्सन फैक्टर क्या चीज है वो समझाने के लिए अभी ये समझिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको 7.96% का कूपन का सिक्योरिटी इशू करता हूँ, आपको देने का वादा किया 7.5% कूपन का, 1000 रुपीज आपसे लिया जाएगा। अगर मैं आपको 7.96% का कूपन का सिक्योरिटी दूँ तो मैं आपसे ज्यादा पैसे मांगूंगा, क्योंकि आपको मैं ज्यादा कूपन का सिक्योरिटी दे रहा हूँ, इसमें आप ज्यादा कमाई करोगे। तो ऑब्वियसली बात है इसका कन्वर्सन फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसका प्राइस जो 1000 रुपीज है ना उससे ज्यादा होगा। वही अगर मैं आपको 6.55% का कूपन का बॉन्ड देता हूँ, हालांकि 7.5% कूपन बॉन्ड देने का वादा किया है, अगर मैं आपको 6.5% का अगर सिक्योरिटी इशू करूं तो ऑब्वियसली बात है आप मुझे 1000 रुपीज से भी कम दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कम मिल रहा है। 6.8 में कंपैरेटिवली 6.55 से ज्यादा पैसे दोगे, लेकिन वो 1000 से कम दोगे। अब यहाँ पर तो आप देखो ये जो भी 7.5 से कम दिख रहा है आपको, इन सब में आप मुझे 1000 से कम पैसे दोगे, और वो जो 7.5 से ज्यादा है उसमें आप मुझे ज्यादा पैसे दोगे। तो इसीलिए अलग अलग सिक्योरिटी, आपकी बास्केट ऑफ सिक्योरिटी इसी को बोला जाता है, इसमें से कोई एक चुन के हम दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कन्वर्सन फैक्टर लगाना है। ये कन्वर्सन फैक्टर वही चीज है कि जितना ज्यादा कूपन रहेगा सिक्योरिटी में कंपेयर टू जो 7.5% है उस हिसाब से वो प्राइस भी ज्यादा होगा आपका। तो देखो सबसे ज्यादा 8.85% का कूपन है, तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कन्वर्सन फैक्टर दिख रहा होगा, है ना, उस हिसाब से कन्वर्सन फैक्टर है। तो आपको क्या करना, ये जो 1000 का सेटलमेंट प्राइस है ना, मैंने बोला कि देखो 1000 रुपीज मैं आपसे लूंगा और आपको 7.5% का कूपन दूंगा, लेकिन मैं चाहूं तो दूसरा कूपन का भी दे सकता हूं, उसमें मुझे कन्वर्सन फैक्टर लगाना है, सेटलमेंट प्राइस पे कन्वर्सन फैक्टर लगाना है। ये कन्वर्सन फैक्टर आपको दिया हुआ रहेगा, ये आरबीआई इशू करता है। तो हमने 1000 में देखो ये कन्वर्सन फैक्टर लगा दिया, 1000 × 0.906, 1000 × 0.9195, ऐसे करके हमें इतना पैसा मिलेगा, यानी अलग अलग सिक्योरिटी में हमें अलग अलग पैसा मिलेगा। अब इसका बाइंग प्राइस भी हमारे पास है, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। ये आप फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्सन फैक्टर करके निकालोगे। अब बाइंग प्राइस मतलब हम ये सिक्योरिटी इस रेट में हम खरीद सकते, तो हमें पता चला पहले वाला मैं इस रेट में खरीद सकता हूं और मैं आपसे 1000 रुपीज लेने का वादा है कि इंटू कन्वर्सन फैक्टर मैं आपसे इतना रुपया ले सकता हूँ, तो मेरा तो गेन ऑन सेटलमेंट नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे करके हम हर जगह निकालेंगे, ये बाइंग प्राइस गिवन रहेगा और हम आपसे इतना पैसा चार्ज कर सकते हैं 1000 × कन्वर्सन फैक्टर, तो हमारे यहाँ पर भी लॉस आ रहा है। हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ आ रहा है 42, अब देखो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम बोलेंगे चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड हमारे लिए क्या है, ये 6.80 वाला, ये वाला हमारे लिए चीपेस्ट टू डिलीवर है, ये हमारे लिए चीपेस्ट टू डिलीवर हो गया, और जहां पर हमारा गेन आ रहा है 42 का। तो ऐसे करके हमें निकालना है। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, आपको एकदम सिंपल रखना है, अलग अलग सिक्योरिटी दिया हुआ रहेगा, कन्वर्सन फैक्टर को फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका सेलिंग प्राइस हो, और बाइंग प्राइस आपको दिया हुआ रहेगा उससे आपका गेन निकल जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा गेन है वही आपका चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होगा। तो लगभग हमने सभी कंसेप्ट को हमने देख लिया है, अब आगे मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर डिस्कस कराने लायक है तो वो हम कर लेंगे। चलिए तो मैं आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। देखो मिस्टर पार्कर एंड कंपनी जो है वो बोरो करना चाहता 60 करोड़ 3 मंथ्स पीरियड के लिए इन द कमिंग 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम नाउ, 6 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के लिए बोरो करना चाहता है, यानी 6/9 FRA होगा आपका। करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं, बट ये आगे बढ़ सकता है इसलिए कंपनी हेज करना चाहती है। कंपनी के बैंकर ने कोट किए हुए 6/9 FRA 9.3% का कोट किया। हमें यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कैसे FRA यूजफुल होगा, ये मत बताने को नहीं बोला, इन्होंने फाइनल सेटलमेंट अमाउंट बोला। तो मैंने कहा था ना फाइनल सेटलमेंट अमाउंट का मतलब आप ये देखो FRA में कितना गेन और लॉस आया और उसका प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट अमाउंट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखो 9.3% में हम बोरो करेंगे, 9.6% में हम इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, जो भी गेन आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे। तो ये देखो पहला केस में 9.3% 60 करोड़ को 9.3% में कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए हमें चाहिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इंटू 3/12 इतना आउटफ्लो होगा। अब इसको सौदे को काटेंगे किस पे, जो आपका आज का रेट हो जाएगा 9.6 में सौदा काटेंगे, तो आपका गेन आ रहा 4,50,000,
ये गेन आपका 3 महीने के बाद होगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचो तो आपका करंट रेट 9.6% का 3 महीने का होगा 2.4%, यानी 1.024 से हमने खींच दिया, बात खत्म। इधर 9.3% में वापस है, 60 करोड़ को 9.3% में बोरो करेंगे 3 महीने के लिए, बाद में सौदा काटेंगे 8.8% में 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करके सौदा काटेंगे, लॉस आ रहा 7,50,000, इसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचेंगे, कौन सा रेट 8.8% का 3 मंथ्स 2.2% यानी 1.022 से खींचेंगे, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आपका दोनों में आ गया। तो एक और पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर आपका पूछा गया था कि एफ आर ए कैसे यूजफुल होगा ये बताइए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला नहीं था, यस ये वाला, यहाँ पर हमने एफ आर ए और देखा था, यहाँ पर पूछा गया था कि ये बताओ एफ आर ए कैसे यूजफुल होगा, कितना हद तक यूजफुल होगा ये पूछा, इन्होंने सेटलमेंट अमाउंट नहीं पूछा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड में हमने दिखाया कि इफेक्टिव रेट आपका 5.94% ही हो रहा है, यहाँ पर भी 5.85% हो रहा है, उसके जरिए हमने आपको बताया था कि फर्म ने अपने आप को लॉक कर लिया 5.94 में एफ आर ए में और 5.85 में फ्यूचर में। तो आपको ये समझना होगा, देखना होगा क्वेश्चन की क्या डिमांड, उस हिसाब से आपको आंसर करना। तो ये सारा क्वेश्चन हमने प्राय अगर आप देखोगे तो सभी क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बस एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। देखो आईबी एक इंडियन फर्म है जिसके सब्सिडरी है इन जापान, एंड जाकी एक जापानीज फर्म है जिसके सब्सिडरी इंडिया में। अब देखो आईबी का और जाकी का बता दिया, फ्लोटिंग में बोरो करेंगे तो क्या लगेगा, फिक्स्ड में बोरो करेंगे तो क्या लगेगा, ये बता दिया, ये बता दिया क्या लगेगा। जाकी विशेष टू बोरो रूपी लोन, जाकी को किसमें चाहिए, रुपया में लोन चाहिए और फ्लोटिंग रेट में, वो भी फ्लोटिंग रेट में। तो जाकी का डिजायर क्या, ये वाला है फ्लोटिंग, ये डिजायर है जाकी का, ठीक है। और वही अगर आईबी की बात करें, आईबी को फिक्स में बोरो करना है तो आईबी का डिजायर ये हो गया, लेकिन हमेशा हमें पता है अगेंस्ट द डिजायर जाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों का मिला के कितना पड़ रहा है, बीपीएलआर प्लस 4.5% पड़ रहा है, वो अगर इधर का देखे तो दोनों का मिला के बीपीएलआर प्लस 2.75% पड़ रहा है, तो आपका देखा जाए तो लगभग 1.75% का फायदा हो सकता है। तो यहां पर हम बोलेंगे आईबी को कि आईबी को बोलेंगे आप इस पे बोरो करो, फ्लोटिंग रेट पे बोरो करो, और जाकी को बोला जाएगा कि आप 2.25% में फिक्स्ड में बोरो करो। अब देखो द अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड बाय बोथ द फर्म इज सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अरेंज अ स्वैप एंड रिक्वायर 25 बेसिस पॉइंट एस एस कमीशन। तो अब देखो यहां पर क्या करा जाएगा, आईबी जो है वो बीपीएलआर प्लस 0.5% में बोरो करेगा, और जाकी जो है वो क्या करेगा 2.25% में बोरो करेगा, ठीक है, और कमीशन हमारा लग जाएगा 0.25% का, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25.25% का कमीशन लगेगा। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना लग रहा है, बीपीएलआर प्लस 2.25 और 0.5 है ना, बीपीएलआर प्लस 2.75 प्लस 0.5, बीपीएलआर प्लस 3% पड़ रहा है आपका, बीपीएलआर प्लस 3% पड़ रहा है, और अदरवाइज आपका कितना आ रहा था, बीपीएलआर प्लस 4.5% पड़ रहा था। तो आपका सेविंग हो रहा है यहाँ पर, सेविंग हमें साफ दिख रहा है 1.5% का सेविंग हो रहा है, तो ये दोनों में 0.75 का बंटवारा हो सकता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दोनों में 0.75 का बंटवारा हो सकता है, तो इसका 2% जो डिजायर था इसका इफेक्टिवली लगेगा 1.25% ही, क्योंकि 0.75% का इसको सेविंग मिल जाएगा, और इसका ये जो डिजायर था बीपीएलआर इसका 1.75% ही लगेगा, क्योंकि 0.75% इसको भी फायदा मिल जाएगा। तो यहां पर अब देखिए मैंने वही निकाला, पोटेंशियल गेन निकाला पहले, आईबी वांट्स टू बोरो एट फिक्स्ड रेट वेयर जाकी वांट्स टू बोरो एट फ्लोटिंग। सिंस पोटेंशियल गेन कब होगा, अगर आईबी फ्लोटिंग में बोरो करेगा और जाकी फिक्स में बोरो करेगा, यानी उल्टा करेगा और बाद में ये स्वैप कर लेंगे आपस में, तो इससे पोटेंशियल गेन 1.5% आएगा, जो मैंने निकाला भी था आपका, है ना। तो ये 1.5% इक्वली शेयर कर लिया जाएगा 0.75 का। तो देखो आईबी अगर मान लो आईबी को तो फ्लोटिंग में बोरो करना है ना, ऐसे तो नहीं, आईबी को ऐसे फिक्स में बोरो करना है, तो इसका 2 में से मैंने 0.75 माइनस कर दिया, जाकी को फ्लोटिंग में बोरो करना है इसमें से भी 0.75 मैंने माइनस कर दिया। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन में आप ये दे सकते हो, तो यहाँ पर आप देखो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर देखो कमीशन लगेगा कितना हमें पता है 0.25, तो 0.25 का आधा आधा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये प्रेजेंटेशन के लिए आपका काम आएगा। तो कमीशन 0.25 दोनों में शेयर हो जाएगा, 0.125 आधा आधा हो जाएगा। अब इंटरेस्ट आउटफ्लो बैंक को कितना दिया जाएगा, देखो इंटरेस्ट आउटफ्लो बैंक को क्या देगा, आईबी देगा ये वाला, क्योंकि आईबी इसमें बोरो करेगा जाकी के लिए,
और जाके इसमें बोरो करेगा आईबी के लिए, तो बीपीएल प्लस 0.5 और 2.25। देखो बीपीएल प्लस 0.5 और 2.25। अब हम ये मानेंगे कि जाकी जो है ना जितना आईबी का लगा है उतना जाकी आईबी को दे देगा, तो आईबी का लगा बीपीएल प्लस 0.5 तो जाकी इतना दे देगा, इसको इतना मिल जाएगा, तो इसका ये तो कट हो गया है ना, और ये कमीशन लगेगा हमारा। और ये हम क्या करेंगे, ये वाला हम बैलेंसिंग फिगर में डालेंगे, तो आपका अपने आप ही ये आ जाएगा। ये तो आपको पता ही, आपका अल्टीमेटली इतना आना है, तो आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाना है, क्योंकि आपको पहले ये निकालना है कि पोटेंशियल गेन हमारा इतना आ रहा है, फिर डिजायर वाले पे आप ये माइनस कर दो और अपना निकालो। ये आंसर हम पहले ही नीचे लिख के छोड़ देंगे। अब हम प्रेजेंटेशन ये हमारा पहले से लिखा हुआ रहेगा, कमीशन भी हम बता देंगे आधा आधा, और हम ये बता देंगे कि आउटफ्लो जो अगेंस्ट द डिजायर बोरो के उसमें आउटफ्लो क्या होगा, और मान लेंगे कि आईबी का जो लगा वो जाकी दे देगा। अब आईबी की बारी की, जाकी का जो लगा वो आईबी दे, तो यहां पर हम क्या करेंगे डिफरेंस अमाउंट ले लेंगे यहां पर हम दोनों जगह में। तो आप देखो यहां पर कितना लेना पड़ेगा, देखो बीपीएल प्लस 0.5 है, ये तो कट ही जा रहा है, इधर 0.125 है, तो इधर 1.25 नेट होना चाहिए, तो इधर आएगा देखना ये 1.125 प्लस 0.125 ये 1.375 देगा। आईबी जाकी को कितना देगा पता है, 1.375 नहीं 1.125 देगा, गलती हो गई। आईबी जाकी को देगा 1.125 ताकि इसका अल्टीमेटली 1.25 लगे, मतलब इसको मिलेगा 1.125। ऑब्वियस सी बात है, आप देख लो ये वाला मैच भी करेगा आपका, आप मिला लेना बीपीएलआर तो आई गया, ये 2.25 प्लस 0.5 2.75 और इधर इसको नेट पे 1 मिल जाएगा तो 1.75 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए ये आएगा आपका। तो बस ये वाला आपको ध्यान देना, ये वाला बस, ये वाला और ये वाला पार्ट आप बस ध्यान दीजिएगा, एक बार आप करोगे तो आपका हो जाएगा, मैंने फटाफट से आपको कराया है। तो इसी के साथ मैंने सभी कुछ आपको करा दिया और ये चैप्टर भी हमारा यहीं खत्म होता है।